हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म कर दो चैट बॉक्स पे, हैज एवरीवन लॉग्ड इन? गुड मॉर्निंग मेघा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 मिनट्स मोर। 7 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे। हाय ऋषभ, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। यस, हाय आकाश। गुड मॉर्निंग अविनाश। गुड मॉर्निंग ऋषभ। चलो 2 मिनट और वेट कर रहे हैं बस। थोड़ा सा अपना लोकेशन भी बताओ यार, कहाँ कहाँ से हो? अविनाश, श्री विद्या, गुड मॉर्निंग आकाश, ऋषभ। लोकेशन लोकेशन एक बार बता दो फटाफट। जानवी, गुड मॉर्निंग। जस्ट 1 मिनट मोर एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट्स। बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। ऋषभ फ्रॉम मुंबई। ऋषभ, हमने बात करी थी शायद, यस आई रिमेम्बर। काफी जनों से मैंने बात करी है। कर्नाटक, आकाश, हाय, यस, ओके। गुड मॉर्निंग देवेश, गुड मॉर्निंग अखिला, ओके। सो सब कुछ विजिबल है। गुड मॉर्निंग हनी। अच्छा, दिल्ली से कौन कौन है मेरे को बताओ जरा, दिल्ली से कौन है? Anyone from Delhi, guys? Devesh from Chhattisgarh. Okay. चलो, काफी सारे स्टेट representatives हैं हमारे पास आज। राजस्थान से भी है हमारे पास एक। Okay, great, great, great. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Good morning, Snehal. Snehal from Pune, right? If I'm not mistaken. ओके, करें स्टार्ट। अलोशिन, गुड मॉर्निंग। प्रिया, जस्ट इन 2 मिनट्स वी आर स्टार्टिंग। जस्ट 2 मिनट देते हैं, आज पहली क्लास है, स्टार्ट करते हैं, बस 2 मिनट दे दो। गुड मॉर्निंग रेसाम। अंकित, गुड मॉर्निंग। धन्या, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है आपको? इंट्रोडक्शन वाला विजिबल है? जस्ट टू चेक एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग इन 1 मिनट। यस, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग विथ अवर बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है? अभी आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होंगी, उसको आज की क्लास के एंड में आपके जो भी जनरल क्वेरीज है विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट विल बी रिजॉल्विंग। अभी जैसा मैंने प्लान किया है, थोड़ा सा उससे स्टार्ट करते हैं। वंस यू गेट अ हैंग ऑफ व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द चैप्टर्स आर, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेरीज जो है अपने आप आधी रिजोल्व हो जाएंगी। जो नहीं होंगी वो क्लास के एंड में ले लेंगे। आज का अपना 2 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? आज की क्लास के अपने 2 ऑब्जेक्टिव है। हनी, नहीं, अपनी ब्लैक एंड व्हाइट है बुक, उसको कलर हम करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे, कीवर्ड्स को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है? सो एक और चीज, प्लीज चैट बॉक्स पे अननेसेसरी टाइम मत इन्वेस्ट करना। जस्ट स्टार्ट विद इट, जहां पे मैं आपसे रिस्पांस पूछूंगा वहीं पे चैट में लगाना, वरना आपका ध्यान थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, एंड वी डोंट वॉन्ट दैट, राइट? आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन टू दिस क्लास। जो भी अपनी क्लासेस चलेंगी, जब जब मैं आपसे बात करूंगा, कुछ रिस्पॉन्स मांगूंगा, उस टाइम प्लीज रिस्पॉन्स देना। क्लियर है? स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो अपना पेपर कौन सा है? CA फाइनल लॉ पेपर नंबर 4, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, दैट इज योर कॉर्पोरेट लॉ एंड दैट इज योर इकोनॉमिक लॉस, ठीक है? अपने को 2 पार्ट पढ़ने हैं, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। अपना बेसिक जो पेपर डिस्क्रिप्शन रहता है, दैट इज MCQs जो आपको पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, एंड डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का,
ठीक है। नाउ जस्ट टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द चैप्टर्स, आई नो कई जनों का नवंबर 22 भी रहा होगा, बट कई जने हमारे फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन कर रहे हैं, सो दिस इज जस्ट टू गिव यू बेसिक आइडिया। ओके, कॉर्पोरेट लॉ में अपने हमारे बुक के हिसाब से दैट इज कंप्लीटली इन लाइन विद द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीए 12 चैप्टर रहने वाले है, 12 चैप्टर्स राइट, एंड इकोनॉमिक लॉज में 7 चैप्टर्स। तो कॉर्पोरेट लॉ में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, देन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इन तीनों को प्यार से हम बोलेंगे डायरेक्टर्स, क्या बोलेंगे डायरेक्टर्स, दीज थ्री आर डायरेक्टर्स। ये अपने आप में अच्छा एक चीज, एबीसी एनालिसिस और ये सारी चीजें इस क्लास में हम नहीं करने वाले। एबीसी एनालिसिस वगैरह कब होता है, जब अपने पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है प्रॉपर हर एक चीज पढ़नी है, बट जस्ट एक आइडिया मिलने के लिए कि कौन सा चैप्टर कैसा है, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं कि ये डायरेक्टर्स अपने आप में 30 से 35 नंबर लेके जाता है, समटाइम्स इवन मोर, समटाइम्स अ बिट लेस, बट ये तीन चैप्टर अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये हमारा मेजर टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर निकलते जाएंगे चैप्टर कंपनी लॉ के, राइट। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4, दैट इज इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। देन वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन। देन चैप्टर नंबर 6, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 7, वाइंडिंग अप। ये चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा बदनाम है सर, क्यों? वाइंडिंग अप में ना आपने सुना होगा कि सर छोड़ के जाना होता है, क्योंकि इतने नंबर का पूछते नहीं है, 3-4 नंबर का आता है और बहुत सारे सेक्शन है, ऐसा नहीं है, उसको भी अलग तरीके से हम डील करेंगे इन द क्लास। छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपने नवंबर 22 में देखा पेपर में नंबर बहुत बच्चों के कम आए, क्यों? क्योंकि हम मे बी वी स्टार्ट विद एबीसी एनालिसिस, मे बी वी गो फॉर यू नो सिलेक्टिव स्टडी, वो सब नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है, बट यस प्रायोरिटी अलग अलग रहेगी और वो प्रायोरिटी आपको अपने आप पता चल जाएगी व्हेन वी आर थ्रू विद द क्लासेस, राइट। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी है, दैट इज बेसिकली कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चैप्टर नंबर 8, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वॉल्यूम वाइज इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर वॉल्यूम वाइज इतना बड़ा नहीं है, बट इसमें से ना मार्क्स आते हैं, 8 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है टोटल मिला के, राइट। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल, दैट इज योर एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। नेक्स्ट कंपाउंडिंग एडजुडिकेशन स्पेशल कोर्ट। देन वी गो फॉर मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस प्रोविजंस मतलब निधि कंपनीज हो गया, रजिस्टर्ड वैल्यूर हो गया, डॉर्मेंट कंपनी हो गया, वो सारी बातें, राइट। एंड देन सीएसपी, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, मैक गुड मॉर्निंग। यस, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, आई नो मेनी स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग इन। ओके, तो ये थे हमारे 12 चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ। इकोनॉमिक लॉज में हमारे 7 चैप्टर है, दैट इज सेबी एंड एलओडीआर। ये इसको प्यार से दोनों को आप एक साथ सिक्योरिटीज लॉ मान सकते हो, ठीक है, आप इसको सिक्योरिटीज लॉ मान सकते हो, सिक्योरिटीज लॉ। नेक्स्ट इज अवर एफसीआरए, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट इज अवर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट इज अवर पीएमएलए, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट इज अवर फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक चैप्टर भी और थोड़ा सा बदनाम है सर, क्यों? फेमा सर बहुत बड़ा है और इतना नंबर का आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार आपका एक मेजर अमेंडमेंट से ज्यादा कहेंगे एक चेंज है इन द चैप्टर ऑफ फेमा, राइट, दैट इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो चीज इस बार हो सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने आए कि बहुत नंबर का पूछ ले, और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, देखना जब भी ये एबीसी एनालिसिस वगैरह फेल करता है ना, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज अ चांस ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर यू कि आप उसमें नंबर ज्यादा ला सकते हो। बस अपने को एक चीज करनी है, 100% स्टडी करनी है, प्रायोरिटीज वाइज स्टडी, सिलेक्टिव, ये सब थोड़ा एंड में, अभी जब हम पढ़ रहे हैं 100% स्टडी, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्लियर। सो कोई भी बच्चा मेरे से ये नहीं पूछेगा सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं, दिस क्वेश्चन विल नॉट बी एंटरटेन इन द क्लास, राइट। आगे हमारा लास्ट है आईबीसी, इसमें से आपको पता है 10 नंबर के आसपास पूछते ही है, क्लियर। दिस वॉज जस्ट बेसिक टू गिव यू एन आइडिया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, ये दोनों हमें पढ़ने हैं, 12 और 7 चैप्टर्स, राइट। दिव्यश गुड मॉर्निंग, यस। अब कुछ बेसिक क्वेरीज आपके दिमाग में, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर बैलेंस क्वेरीज हम एंड में लेंगे, ठीक है। सो हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज, आपको जो बुक मिली है, अच्छा बुक्स का एक बार स्टेटस थोड़ा सा मेरे को बता दो, बुक्स आपको मिल गई है या नहीं मिली अभी तक, क्विकली बुक्स आपको मिली है या नहीं मिली है, हैव यू रिसीव्ड द बुक्स। गुड मॉर्निंग सीमा,
बुक्स मिल गई यानी जल्दी से बताओ मेरे को। रिसीव्ड 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 नो, वरुण को नहीं मिली है। ठीक है, आपको जो मेल आया होगा उसके अंदर ना फर्स्ट अविनाश ओके, श्री विद्या ओके, धन्या ओके, श्वेता ओके, ओके आपको जो फर्स्ट मेल आया होगा ना उसके अंदर पीडीएफ आया है। ठीक है, उसका प्लीज प्रिंट लेके रख लेना। दैट विल टेक केयर ऑफ योर इंट्रोडक्शन नोट्स। दिस इज नॉट इंट्रोडक्शन नोट्स, इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ और है, वो भी करने वाले स्टार्ट। दैट एंड चैप्टर नंबर वन डायरेक्टर्स का, ताकि आपके पहले दो तीन क्लासेस निकल जाए। अगर आपको बुक्स 99.9% आपको बुक्स मिल जाएंगी, तब तक भी अगर नहीं मिला तो मैं नोट्स पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। जस्ट प्रिंट इट आउट, जस्ट प्रिंट इट आउट एंड बी रेडी विद द क्लास, क्योंकि क्लास का डिले नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ द बुक्स। क्लियर? स्नेहा को बुक्स मिल गई है, मनन को मिल गई है, फरिया प्रणव को नहीं मिली है। ओके ठीक है, ठीक है, आई गॉट एन आइडिया, आई गॉट एन आइडिया। ठीक है, थोड़ा दो तीन दिन लगते यार उस चीज को डिस्पैच होकर आप तक पहुंचने में, सो प्लीज कॉपरेट ऑन दैट पार्ट। अच्छा सर, एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करने वाले हो? बिकॉज द क्वेश्चन बैंक वी हैव रिसीव्ड और वी विल बी रिसीविंग, इट कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो प्लीज अंडरस्टैंड करना। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन आई डोंट गिव एमसीक्यूज इन द प्रिंटेड फॉर्म। आप क्या करते हो सर, एक बार चैप्टर हो गया, जैसे डायरेक्टर्स हो गया मेरा, ठीक है, अब उसके बाद आप एमसीक्यूज उसी टाइम जैसी डायरेक्टर्स फ्रेश अभी दिमाग में फटाफट से निकाल लेते हो और उसको छोड़ देते हो। फिर जब तक लॉ में नहीं उठाता तब तक मैं वो चैप्टर नहीं उठाता। So instead what I am doing is पिछले तीन अटेम्प्ट से कर रहा हूं, MCQs हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। आज आपको वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एंड यू कैन जस्ट सर्च CA सिद्धेश वारिंबे फॉर CA फाइनल लॉ, वो आपको चैनल मिल जाएगा। नहीं तो मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सब बन रहा है, सो डोंट वरी, वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। एंड आज से हम MCQs स्टार्ट करेंगे और ये तीन महीने चलेंगे, पेपर तक चलेंगे, ऑडियो नोट्स भी मिलेंगे और MCQs हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगा। You have to solve MCQs daily. You have to solve MCQs on a daily basis. उससे दो फायदे मिलते हैं, एक आपका कंसेप्ट बहुत प्रॉपर तरीके से बन जाएगा और दूसरा रिटेंशन। ये नहीं कि करके छोड़ दिया लॉ, एवरी डे 2-3 MCQs आप सॉल्व करते जाओगे। उसके साथ आपको एक रजिस्टर बनाना है जिसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, बट MCQs में से जो पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट होंगे उसका आपको एक रजिस्टर बनाना है। क्लियर? ओके नेक्स्ट, ये रहा वो पॉइंट रजिस्टर वाला। आपको ना मेरे लिए एक रजिस्टर बनाना है मेरे क्लास का स्पेसिफिकली, राइट? उसमें आपको दो चीजें बेसिकली, उसके अंदर इनपुट्स जो जाएंगे वो दो जाएंगे। एक आपको क्लास में से आपको कोई पॉइंट लगता है कि नहीं यार ये बहुत ही एक ऐसा पॉइंट था जो मैं गलती कर रहा हूं, या फिर आपको रिविजन के टाइम समझ आ जाएगा कि यार ये टॉपिक में से मेरे को ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है या फिर रिवाइज करना है, उन पॉइंट्स को लिखो एंड ये रजिस्टर पर्सनलाइज बनेगा। बाद में ये नहीं कि सर किसी का रजिस्टर दिलवा दो या किसी दोस्त को बोल दिया भाई रजिस्टर दे दे, ये सब नहीं चलेगा। You have to make this a personalized register, जिसके अंदर आप points note down करोगे। And second, MCQs में से भी कोई points निकलते हैं, जैसे 10 MCQs में से 3 आपने गलती करी, उन 3 गलतियों को लिखो। End में कोई time नहीं मिलने वाला कि आप ऊपर जाके Telegram scroll करो और MCQs को solve करो। No, instead अपनी language में Hindi, English, whatever language seems comfortable to you, write that point down, write that particular point down, so that it helps you in the revision. Am I clear? Good morning, Nikita. Okay. You have any queries with respect to these two points that we have discussed? Sir, जो आप MCQ आप आज दोगे वो सर 3 महीने बाद जल्दी से याद नहीं आएगा। Yes, honey, that is the precisely the reason I am saying कि whatever MCQ you are committing a mistake in, mark that particular point. Don't mark MCQ in your device. Mobile में नहीं mark करना है. You have to extract that point as to what mistake you committed and you have to write that down in the register in Hindi, simple Hindi में लिख लो अगर आपको comfortable है तो, कि यार ये वाली चीज मुझे गलती नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी, वो exact point लिखो, so that you are able to revise it in that 1.5 days. Okay? महक, ebooks आपको अभी जो first हम start करने वाले हैं, that particular PDF has been given in the normal PDF form, you can print it out. ईबुक्स की मेल आपको आज मिल जाएगी, आई विल हैव इट रिजॉल्व। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देर आर 4 बेसिक टिप्स फॉर प्रिपरेशन। आई नो मेनी स्टूडेंट्स आस्क दिस कि सर जैसे नवंबर 22 का आपने पेपर दिया होगा, आई नो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दिस क्लास जिन्होंने नवंबर 22 दिया है एंड मे बी दे स्कोर 30s और 40s, सो देर आर नो स्पेसिफिक टिप्स एक्सेप्ट दीज 4। इफ यू फॉलो दीज 4 पॉइंट्स वेरी वेरी प्रॉपरली एंड होल हार्टेडली, आपको लॉ में 70-80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं इस चीज का प्रॉमिस देता हूं। अब 4 पॉइंट्स क्या है वो समझ लो। फर्स्ट, एवरी डे आफ्टर द क्लास यू हैव टू सेल्फ स्टडी।
एवरी डे मतलब एवरी डे, एक भी दिन छूटेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, फिर वो लैग आना शुरू हो जाएगा. एवरी डे आफ्टर द क्लास वॉट एवर आई एम कवरिंग इन द क्लास, एक बार बुक पढ़ के उस चीज को रिवाइज करना है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न इट थॉरली, बट एक बार समझना है, क्योंकि वहां पे जो क्वेरीज आएंगी ना वो इंपॉर्टेंट है रिजोल्व करना ड्यूरिंग दैट डे. क्लियर? नेक्स्ट, सर क्लास के बाद कितनी रिविजन की जरूरत है? यार देखो क्लास के बाद ना दो रिविजन तो चाहिए चाहिए, और दो का तीन करोगे तो और बढ़िया है. सर दो या तीन रिविजन पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड यू डू द राइट प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंसिस्टेंटली डेली पढ़ोगे. ये नहीं एंड में 15-15 घंटे 14-14 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. डेली अगर 8 घंटे 9 घंटे का रूटीन बना के पढ़ रहे हो तो ये चीज पॉसिबल है. क्लियर है? नेक्स्ट, सर हम पढ़ते वक्त चीजें लिखे क्या? हम तो लिखते नहीं है थ्योरी में, लॉडिट में क्या लिखना है? नहीं, आपको लिखना है. सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं 164, मैं बताता हूं मैं कैसे पढ़ता था. जैसे अगर मैं 164 रिवाइज कर रहा हूं तो मैं बस लिखता था 164 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, बस इतना लिखता था क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, और आगे पॉइंट्स का सिर्फ कीवर्ड, जैसे इनसॉल्वेंसी ओके, 165 डिस्क्वालिफिकेशन ओके, सिर्फ मेन पार्ट लिखना है. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप सीधा पेपर में जाते हो ओरल करने के बाद सीधा पेपर में, आप खुद सोचो यार, आप सीधा पेपर में फर्स्ट टाइम लिख रहे हो 164 वन डिस्क्वालिफिकेशन, उस टाइम माइंड थोड़ा अनकंफर्टेबल है आपका, बिकॉज यू आर राइटिंग थिंग्स डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट वेरी सिंपल थिंग्स ऑल्सो, एंड दैट लीड्स टू आपका 90 का अटेम्प्ट, 10 से 20 नंबर का मार्क्स छूटता है. एंड अगर 10-20 का अगर आप लिख के नहीं आ रहे हो, फिर आप 80 में से इवेल्युएट कर रहे हैं, 20 नंबर तो डायरेक्ट खत्म हो गए ना. अगर 80 का अटेम्प्ट हो रहा है 20 नंबर तो डायरेक्ट गए, राइट? सो ये गलती नहीं करनी. एंड सेकंड, जब लिख के पढ़ोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी, दैट विल हेल्प यू टू अचीव 100 मार्क्स अटेम्प्ट. अटेम्प्ट आपको 100 का करना है, थ्योरी में भी पॉसिबल है. किसी ने अगर आपको बोला है कि सर पॉसिबल नहीं है तो वो चीज गलत है. मैंने अपने टाइम पे 8 के 8 100 के अटेम्प्ट किए थे. दिस इज नॉट समथिंग आई एम बोस्टिंग, दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू ट्रूली, इट इज पॉसिबल. बट यू हैव टू स्टार्ट विद दैट माइंडसेट. इनपुट्स तो डालने पड़ेंगे ना, इनपुट्स नहीं डालोगे सीधा उस दिन लिखोगे तो कैसे 100 का अटेम्प्ट होगा भाई? क्लियर है? ओके. एक चीज जो हम और लगाते हैं, सर कीप इन टच स्ट्रेटेजी. सर ये स्ट्रेटेजी क्या है कीप इन टच? आपने मेरे स्टडी प्लान अगर देखे हैं तो उसमें मैं ये चीज बोलता हूं कि लॉ इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल एडवांटेज. जब लॉ खत्म हो जाएगा, अभी तो आप कंफर्टेबल फील करने वाले हो क्योंकि डेली क्लास चलने वाली है, लेकिन क्लास होने के बाद जो 2 महीने का फासला रहेगा, मार्च अप्रैल में आप बाकी के सब्जेक्ट्स करोगे और 1 महीना लॉ छूट जाएगा, पता है क्या दिमाग में आएगा? मैं लॉ भूल गया. जितनी मर्जी अच्छे हमने पढ़ी हो स्टडी के टाइम, क्लासेस के टाइम, मैं लॉ भूल गया. सो वो अवॉइड करने के लिए आपको ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगानी है. और इस कीप इन टच स्ट्रेटेजी में मेरा एक इनपुट है MCQs, दैट लिंक्स टू अवर पॉइंट नंबर 1. दिस विल हेल्प यू कीप अ टच विद द सब्जेक्ट. साइकोलॉजिकली लगता है नहीं, मैं भूला नहीं हूं, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है. क्लियर है बात? एंड सेकेंड, आपको फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी चैप्टर है, जैसे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मैंने किया, उसमें से जो भी पॉइंट लगता है एक बार उसको सिर्फ 15-20 मिनट, जैसे 20 मिनट दिए रात को सोने से पहले, उसको सिर्फ एक बार रीड कर लिया. ये स्टडी नहीं है साहब, ये स्टडी नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ स्टडी, दिस इज जस्ट रीड कम रिव्यू. You don't have to apply any pressure on yourself to recall the provisions. You just have to ensure you are going through it to give that psychological edge, that comfort. कि नहीं सर, भूले नहीं है, आ रहा है कुछ ना कुछ तो आ रहा है, मतलब मैं देख रहा हूं, 1 महीना छूटा नहीं है लॉ. क्लियर है? ये 4 पॉइंट्स आप अगर आप फॉलो करोगे, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, 80 से ऊपर आपका स्कोर बनेगा. क्लियर? ओके मेगा क्लियर. ओके. शिवम, यस गुड मॉर्निंग शिवम, लेट आयो आज? लेट नहीं करना भाई प्लीज. आई एम वेरी पंक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू द क्लास टाइमिंग्स. जो मैंने एंड का टाइम लिया है दैट इज 10:30, वो थोड़ा सा मैंने सेफ साइड ही लिया है. 10 to 10:15 आई विल ट्राई टू रैप अप. बट सुबह की क्लास, सुबह का जो टाइम है भाई, 7 बजे, मतलब 7 बजे 6:55 यू शुड बी देयर ऑन योर लैपटॉप विद ऑल योर सराउंडिंग, जो भी रजिस्टर है, पेन, सब कुछ लेके. क्लियर? अच्छा, अपना एक पेन रख लेना प्लीज, एक अलग रेड और एक अलग कुछ रख लेना, एक हाईलाइटर रख लेना बुक्स में मार्किंग करने के लिए, ठीक है? यस अंगी क्लियर. ओके, अब आपको है बाकी के 2 चीजें जो मुझे बतानी है. अब आपको एक दिमाग में डाउट है, सर डाउट्स कैसे हमारे क्लियर करने वाले हो? सो प्लीज अंडरस्टैंड 2 चीजें इसके रिस्पेक्ट में, क्लास के डाउट्स और घर जाके डाउट्स. देखो जो आपके क्लास के क्वेरीज रहेंगी ना, वो कैसी क्वेरीज रहेंगी, जैसे एकदम से मैंने एक चीज बताई,
और आपको इमीडिएटली क्वेरी आ गई कि सर ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा बताओ, मैं वहीं पे रिपीट कर दूंगा। लेकिन अगर इसके सिवाय कोई स्पेसिफिक क्वेरी लग रही है ना कि ये स्पेसिफिक पॉइंट में कुछ मुझे लग रहा है, व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम एडवाइजिंग यू कि उसको उस टाइम पूछने से होल्ड बैक करो, डोंट आस्क इन द क्लास। व्हाई? वंस यू गो एट होम एंड यू डू द सेल्फ स्टडी, वो पॉइंट 99.9% रिजॉल्व हो जाएगा। बिकॉज इन द क्लास यू आर टेकिंग अप लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बहुत सारी चीजें इनपुट की तरह जा रही है, बट एक बार वो चीज घर पे रिवाइज करोगे तो वो डाउट निकल जाएगा। स्टिल नहीं आता, आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है सबका, राइट, वहां पे पोस्ट कर दो, मे बी सम अदर स्टूडेंट हेल्प्स यू रिजॉल्व। आई विल बी रिव्यूइंग दोज क्वेरीज, वही के वही व्हाट्सएप में ऑडियो नोट डाल दूंगा या मैसेज डाल दूंगा, लगा क्लास में डिस्कशन करना है, अगले दिन सुबह 10-15 मिनट में वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब मैं ये चीज क्यों एडवाइस कर रहा हूँ, सोचो अगर हम जैसे 50 बच्चे, अगर आज वाले सेशन में लेट से 50, अभी तो और एनरोलमेंट्स चल रही है, बट लेट से 50 पीपल स्टार्ट आस्किंग इंडिविजुअल क्वेरीज ऑन द चैट, तो फिर वो ना क्लास का आधा घंटा एक घंटा उसमें चला जाएगा, तो आपके कोर्स का भी वो इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? सो ये दो तरीके से अपना क्वेरीज रिजोल्यूशन करना है। क्वेरी आगे नहीं जाएगी, उसी दिन रिजोल्व हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। हमारा अलग ग्रुप बना हुआ है, योर क्वेरीज विल बी रिजोल्व ऑन प्रायोरिटी। क्लियर? नोटेड? यस, क्लियर। ठीक है, यस, ओके। ग्रुप्स का मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है कि हमारे व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप बना हुआ है, एक कॉमन भी बन जाएगा क्योंकि रिकॉर्डेड बच्चे भी बहुत सारे हैं जिनके ऑफिस टाइमिंग्स वगैरह क्लैश कर रहे थे, सो उनका भी एक साथ एक बन जाएगा। लाइव वालों का हमारा अलग शायद बन ही गया है ऑन व्हाट्सएप, नहीं ऐड हुए हो तो बता देना, मैं ऐड करा दूंगा, ठीक है? अच्छा, यहां तक एक बेसिक लॉ प्रिपेरेशन के ऊपर किसी को कोई क्वेरी है क्या? ठीक है, बेसिक। अच्छा, एक स्टडी मटेरियल का मैं जरा हिसाब में क्लियर कर दूं, स्टडी मटेरियल का भी बहुत सारे क्वेरीज थी। देखो, आपको जो मटेरियल मिला है या मिलेगा उस पर लिखा हुआ है नवंबर 22, उससे डरना मत। जनरली क्या होता है, दो अटेम्प्ट की बुक्स एक साथ प्रिंट होती है, वन के फॉर वन अटेम्प्ट वी कवर अमेंडमेंट्स। जनरली ऐसा नहीं होता कि हम 2 या 3 महीने के लिए प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करें एंड फिर दोबारा हम नया प्रिंट करें, नहीं। सो जनरली वी गो फॉर द प्रिंट एंड वी कवर अमेंडमेंट्स फॉर सेकंड अटेम्प्ट, देन वी गो फॉर रीप्रिंट। क्लियर? नवंबर से मई तक का जो फासला है, जो हमारा मटेरियल है, उसके रिस्पेक्ट में दो चीजें, एक कुछ माइनर चेंजेस है, माइनर चेंजेस, बहुत माइनर, और एक है मेजर एडिशन, दैट इज फेमा, राइट? तो ये इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एडिशन है, वो सबको पढ़ना है, वो एडिशनल आपको पढ़ना है, और चेंजेस वो मैं आपको सारा क्लास में कराऊंगा, एडिशन भी क्लास में कराऊंगा। तो क्लास होने के बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखना, उसका जो एडिशनल वाला पार्ट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फेमा, एक कलर्ड मैनर में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, कलर्ड मैनर में उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसका बस प्रिंट ले लेना, बस प्रिंट लेके बैठना, बाकी चेंजेस जो है वो मैं सारा आपको कराऊंगा, अमेंडमेंट्स का पीडीएफ भी आपको दूंगा, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। क्लास होने के बाद कहीं पे भी आपको भागा दौड़ नहीं करनी फॉर अमेंडमेंट्स मई 23। क्लियर है? बुक्स का भी क्योंकि कुछ क्वेरीज आई थी। अच्छा, अब यहां तक जो मैंने बेसिक चीजें बताई है, इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ पॉइंट्स है क्या? जनरल क्वेरीज बाद में ले लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, इसके रिस्पेक्ट में कुछ अभी लग रहा है क्या कि कुछ पूछना है? जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं है तो ओके कर दो। नहीं है कुछ भी? नो क्वेरीज, ओके। ठीक है, तो सर अब एक आपने देखा होगा मैं ये लाइन यूज करता हूं, क्लियर फरिया, ओके मेगा, थैंक यू। रेडी टू स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर। मेनी स्टूडेंट्स थिंक कि सर ये ना एक टैग लाइन है, ये तो मार्केटिंग की टैग लाइन है। नो, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, ये मेरा एक्चुअल में एक एम था विच आई एम ट्राइंग टू अचीव एवरी सिंगल डे, कि लॉ को हमें बोरिंग तरीके से थ्योरिटिकल है लीगल करके ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, लॉ को अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, एंड दैट विल बी द एम ऑफ दिस बैच। और मैं आपको इस चीज का प्रॉमिस देता हूं, विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, फेब एंड से पहले आपको लॉ में डिफरेंस नजर आएगा। आपने अगर पहले किसी से पढ़ा हुआ है, आई एम नॉट सेइंग, देखो हर एक का तरीका अलग अलग होता है पढ़ने का या पढ़ाने का, राइट? सो आई विल बी ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आपने कुछ भी कर रखा है इससे पहले तो आपको वो डिफरेंस महसूस हो, राइट? एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पेपर, दैट इज पेपर नंबर 4। तो एक बार मुझे कंफर्म करो कि आपकी तरफ से वो इनपुट है या नहीं, कि नहीं सर लॉ को तो मतलब करना है, और करना है मतलब अच्छे से करना है, ये नहीं कि मेरे को 40-50 वाला एम है तो फिर भैया 40-50 एम से नहीं पढ़ रहे हम, पास कराने के लिए आपने बैच नहीं ज्वाइन किया है। क्लियर? सो आई वॉन्ट योर कंप्लीट इनपुट्स,
इन द लास्ट 1.5 डेज एनी स्ट्रेटेजी टू कवर, भूषण उस चीज को थोड़ा सा क्लास के एंड में ले लेंगे, उसको हम यूट्यूब पे भी हैंडल करेंगे, 1.5 डेज का एक प्लान भी डलता है, ठीक है। तो अभी अभी वाले में वो जरूरत नहीं है टू डील भूषण, ओके ठीक है। हम एक चीज बस, अभी जो नवंबर 22 का अटेम्प्ट था, नवंबर 22 उसके अंदर मेरी एक स्टूडेंट थी कैथरीन, शी स्कोर्ड 69 or 70 राइट इन लॉ, एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहूंगा एक अच्छा पेपर था, उसके अंदर 70 लाना इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट मुझे अब इस वाले से, मुझे अब इस वाले से आपसे एक उम्मीद है कि मुझे 85 का स्कोर क्रॉस कराना है। सर 85 तो आते ही नहीं है। अरे भाई ऐसे सोचोगे तो कैसे आएंगे, आप क्यों नहीं सोचते हो कि मेरे को वो लॉ के अंदर रिकॉर्ड का अवार्ड मिले। तो जल्दी से बताया कि आपको एक एम लेके चलना है, और मैं बता रहा हूं ये जो क्लास का टाइम है ना, और ये जो 3 महीने ऐसे निकलने वाले हैं, ऐसे निकल जाएंगे। आपको डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना है, एंड मैं बता दूं ये स्कोर पॉसिबल है, मेरे साइड से पूरा इनपुट रहने वाला है। आई वॉन्ट योर कंसिस्टेंट इनपुट एज वेल। ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये टू वेज रहने वाली है, मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। सो आई वॉन्ट यू टू सेट अ एम टूडे 18th January वेनसडे मॉर्निंग, प्लीज एक एम सेट करो कि सर मेरे को 85 चाहिए लॉ में, राइट। सो इस माइंडसेट के साथ हम आगे की शुरुआत कर रहे हैं। यस फरिया वेरी वेरी गुड, वी आर रेडी मेगा, यस ट्राई योर बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। और फिर होता है ना 85 नहीं तो 80 70 75 पे तो लैंड कर ही जाएंगे, तो अपने को टॉप स्कोर एम करना है, क्लियर। ये अपने बैच का एम है, और मुझे इसी बैच में से चाहिए कोई ना कोई, कोई ना कोई रिकॉर्ड होल्डर मुझे इस बैच से चाहिए, एक ना एक मुझे रैंक होल्डर इस बैच से चाहिए, ठीक है। रैंक वाली बातें वो सब बातें मैं सैटरडे के एक स्पेशल सेशंस में भी कवर करने वाला हूं, जो कि थोड़ा सा जनरल गाइडेंस रहेगा, राइट ठीक है। इसके सिवाय कोई, यस अविनाश वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। तो इसके सिवाय आपको कोई पढ़ने के बाद क्वेरीज आती है अभी वाले सेशन में, जो जनरल है तो वो हम उसको यहां पे डील कर लेंगे। बट अभी मैं स्टार्ट करवाना चाहता हूं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन नोट्स, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन नोट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल चुका होगा। आज की क्लास में हम बहुत कवरेज नहीं रखेंगे, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन नोट्स कवर करेंगे, बिकॉज आई नो कि थोड़ा इशू है विद रिस्पेक्ट टू बुक्स एंड एवरीथिंग, मे बी आपने इसका प्रिंट नहीं लिया है, सो ऑल दोस पॉइंट्स विल बी रिजॉल्व्ड। देखो कोई भी एक नई चीज होती है, कोई भी एक नई चीज होती है, एक दो दिन तो दोनों उस चीज को प्रॉपर एक उसमें आने के लिए कि हाँ सर अब बिल्कुल ट्यूनिंग बैठ गई है, राइट। तो आज मैं इसमें से कवर करा रहा हूँ चीजें, आपको ये नोट्स मिल चुके होंगे, इसका प्रिंट ले लेना बस, राइट। और बुक आने के बाद तो ये प्रिंटेड है आपके बुक की फॉर्म में, क्लियर। ग्रेट 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 हनी ग्रेट, ठीक है सर स्टार्ट करें, ओके। सो आज का हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि आपको ये चीजें यूज होने वाली है इन इन आज जो पढ़ेंगे, ये जो हम 8-9 पेजेस अभी कवर करने वाले हैं, इसके अंदर चांसेस है कि आपको इसमें से डायरेक्टली कोई चीज नहीं पूछने वाला। आईसी आपसे ये नहीं पूछेगा कंपनी लॉ का मतलब बताओ, लेकिन यार आप सोचो सीए बन चुके हो और आपसे कोई पूछे कंपनी लॉ का मतलब या केस लॉ को कैसे रीड करना है, ये चीज अगर आपको पता ही नहीं होंगी देन ये किस बात, मतलब एक, एक, एक वो हो जाएगा ना, क्वेश्चन मैप उठ जाएगा। तो ये क्लास उसके लिए है, जस्ट टू गेट यू इन लाइन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या। जब मैं बोलता हूं कि मैंने कंपनी लॉ पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो आपको बेसिकली इसके अंदर 3 चीजें आती है। पहला अपना कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स का काम अलग नहीं होता है, वो बस हेल्प करते हैं कुछ बातें बताने के लिए, कुछ हेल्प करते कि हाँ सर ये भी ये फॉर्म ले लो, ये चीज बता दो, इसको ऐसे डील कर लो। तो मिला के ये सेक्शन और शेड्यूल बनते हैं। इसके साथ साथ रूल्स भी आते हैं हमारे, वो सेक्शन का ही भाग होते हैं। इसमें ना जहां जहां लिखा होता है ना एज प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स, इसके अंदर रूल्स भी आते हैं, ओके। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट, जब मैं बोलता हूं कंपनी लॉ, इट ऑल्सो कवर्स सर्टन रूल्स नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। आपने देखा होगा ना कि नोटिफिकेशंस आती है, रूल्स आते हैं, बहुत सारे सर्कुलर आते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री, तो वो भी कंपनी लॉ का भाग है। क्योंकि वो देखो जब सेक्शन बनता है, ठीक है, एक सेक्शन बनाया पार्लियामेंट ने, उसके अंदर हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन इशू करनी पड़ जाए, उसके अंदर हो सकता है कुछ चीजें बतानी पड़ जाए, तो एमसीए कहता है ठीक है हम वो अलग से बता देंगे, ये सेक्शन तो सेक्शन रहेगा, हम सेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, हम एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे, राइट। अच्छा अब एक बात समझना, ये जो रूल्स नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स होते हैं ये कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, ये बनाता है सर एमसीए, मिनिस्ट्री बनाती है, ना कि पूरा पार्लियामेंट,
क्या मुझे कोई बताएगा कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का मतलब कौन बताएगा मुझे? यस शिवम, गुड। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है जरा बताओ। एनीवन, पार्लियामेंट का मतलब जल्दी से बताओ। जब हम कहते हैं कि लॉ पार्लियामेंट बनाता है, सेक्शन पार्लियामेंट बनाता है, तो पार्लियामेंट मतलब कौन? वेरी वेरी गुड वरुण। लोकसभा एंड राज्यसभा, मैं एक आंसर का वेट कर रहा हूं। दिस इज 85% ओके, मेगा गुड। लोकसभा राज्यसभा, दिस इज आई कैन से 90-95% ओके। एक और मैं आंसर सुनना चाह रहा हूं दिवेश, गुड, लेकिन 95% ओके है। लोकसभा एंड राज्यसभा ओके ओके, बट लिखते वक्त मतलब समझते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि लोकसभा राज्यसभा एंड ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑल्सो। प्रेसिडेंट को अलग से हम इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, राइट? सो यस, एवरीवन इज करेक्ट, गुड गुड गुड। भूषण, एमएलएस भी आ जाते हैं भूषण उसमें, मेंबर स्पीकर, ठीक है स्पीकर, फिर वो थोड़ा प्रोसीजर हो गया। ओके ओके, यू कैन स्टॉप। सो पार्लियामेंट में मोटा मोटा हम कह सकते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब जब ये वाली बात आती है ना, जब रूल्स नोटिफिकेशंस बनाने वाली, ये ना पार्लियामेंट नहीं बनाता सर, ये बनाता है एमसीए। सर इसका रीजन क्या होगा? देखो पार्लियामेंट में कुछ भी काम करना मतलब एक मोटा प्रोसीजर है। मोटा मतलब इट्स अ ह्यूज प्रोसीजर। व्हाई? फर्स्ट लोकसभा हैज टू डिस्कस इट, देन लोकसभा हैज टू पास इट, देन राज्यसभा कंसिडर इट, देन राज्यसभा टॉक्स अबाउट इट, डिस्कसेस इट, एंड देन इट पासेस, एंड देन द प्रेसिडेंट गोज फॉर द फाइनल साइनिंग, राइट? एंड देन इट बिकम्स अ लॉ। सो फॉर इजीनेस, एक ईज के लिए हमने क्या बोला कि सर रूल्स नोटिफिकेशन है ना, उसकी पावर एमसीए को दे देते हैं। पार्लियामेंट बार बार नहीं बनाएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर नोटिफिकेशन लाने में ना दो दो तीन तीन महीने लग जाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मिनिस्ट्री बोलती है ठीक है सर कोई इशू नहीं है, पार्लियामेंट को छोड़ो, हम एनालिसिस करते हैं और जो भी नोटिफिकेशन चाहिए होगा हम सीधा इशू कर देंगे। सो इट टेक्स अ लॉट लेस टाइम टू इशू रूल्स नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, क्लियर है? तो उसके आगे पढ़ो, दीज आर इशूड बाय एमसीए, दीज आर इशूड बाय एमसीए एंड नॉट पार्लियामेंट, हेंस इट्स एन इजी प्रोसेस टू अमेंड और इशू एज कंपेयर टू द एक्ट। एक्ट्स अमेंडमेंट टेक्स प्लेस इन द पार्लियामेंट एंड हेंस इट इज अ स्लो प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज पास होएगा, फिर आगे जाएगा, फिर दोबारा पास होएगा, फिर दोबारा आगे जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साहब पास करेंगे साइन करके, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, क्लियर? और तीसरा भाग जो होता है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ, दैट इज केस लॉज। केस लॉज क्यों आते हैं? सर एक सेक्शन बनाया, आपने बोला इसका इंटरप्रिटेशन ये है, मैंने बोला ना 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 इसका इंटरप्रिटेशन ये है, तो हम लड़ते लड़ते कहां चले गए? कोर्ट में। हो सकता है सेशंस कोर्ट में जाए, हो सकता है हम हाई कोर्ट में जाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए, और वो कोर्ट जब फैसला देगा उसको यूज किया जाएगा बैलेंस डिसीजंस के लिए, बैलेंस डिसीजंस को हैंडल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब मैं आज कंपनी लॉ बोलता हूं तो कहीं ना कहीं वो केस लॉज का भी यूज करना पड़ता है। क्लियर? क्लियर है? यस मेगा, प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। क्या कंपनी लॉ का मतलब क्लियर है? आगे बढ़ू, ओके ओके। सो नेक्स्ट बेसिक चीज, मैंने देखा है सीए फाइनल, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना तब मैं पूछता था, मैं पहले प्राइवेट पढ़ाता था, राइट? सो मैं पूछता था स्टूडेंट से कि इस केस लॉ को जरा रीड करके बताओ। रीड मतलब आपके सामने ये केस लॉ आएगा, ए वर्सेस बी, ए आई आर 11/2020-374 SC। अब अगर इसको रीड करना है तो इसका मतलब कि ये लिखा क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट दीज वर्ड्स मीन, राइट? बिकॉज एज अ सीए इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड अ केस लॉ, हाउ विल यू साइट? आप एक बात बताओ, आप में से रैंक होल्डर निकलेंगे, आप में से बड़े बड़े ऑफिसेस आईटीसी और इन सब में प्लेसमेंट होगी, आप एक टैक्स के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपके सीएफओ ने बोला इसके ऊपर एक केस लॉ ढूंढो, हमारा ये डिस्प्यूट चल रहा है डिपार्टमेंट के साथ, जीएसटी के साथ या किसी के साथ, और आपने कहा ठीक है सर ये केस लॉ लेके आता हूं मैं, और एक केस लॉ ऐसा दिया हुआ है, वो पूछेगा इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है? गलती से पूछ लिया मजाक में भी सबके सामने, और अपने को केस लॉ ही नहीं रीड करना आ रहा, राइट? सो बेसिक समझ लो केस लॉ रीड कैसे करती है। जब ये दो नाम दिए जाते हैं ए वर्सेस बी, इसका मतलब है ये है पार्टीज के नाम, ये है पार्टीज के नाम, और पार्टीज दो होती है, जो केस फाइल कर रहा है और जो उस केस का रिप्लाई दे रहा है, जो फाइल कर रहा है जो रिप्लाई दे रहा है, फाइल वाला प्लेंटिफ और रिप्लाई करने वाला रिस्पोंड कर रहा है, तो उसका नाम रिस्पोंडेंट। तो जिसने केस इनिशिएट किया प्लेंटिफ, उसका नाम पहले आएगा,
और जिसने रिस्पॉन्ड किया वो बी रिस्पॉन्डेंट, उसका नाम बाद में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट ये होता है AIR। ये AIR की जगह ना आपको अलग अलग भी मिल सकता है, ये SSC भी मिल सकता है, ये आंध्र प्रदेश रिपोर्टर भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। वॉट इज दिस? दिस इज अ लॉ रिपोर्टर। दिस इज लॉ रिपोर्टर मतलब जो केस लॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे भैया हाई कोर्ट में एक केस हुआ, उसको पब्लिश करने का जो राइट है वो सिर्फ एक बंदे के पास थोड़ी है, बहुत सारी एजेंसीज है, तो वो जो भी एजेंसी होगी उसका नाम यहां पे आ जाएगा। राइट? सो दिस इज करेंटली, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ऑल इंडिया रिपोर्टर का, इट कैन बी SSC दैट इज सुप्रीम कोर्ट केसेस, और इट कैन बी एनी अदर रिपोर्टर। आप पढ़ना गूगल पे सर्च करो लॉ रिपोर्टर्स इन इंडिया, 50-60 बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। क्लियर? सो AIR चेंज हो सकता है, मतलब सेम केस AIR में भी आपको मिल सकता है, सेम केस आपको किसी और रिपोर्टर में भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट 11 इज द वॉल्यूम नंबर। वॉल्यूम नंबर मतलब AIR इतनी बड़ी है, उसके कौन से वॉल्यूम में ढूंढू और उसके कौन से पेज नंबर पे ढूंढू, तो ये आ गया मेरा पेज नंबर और बीच में उसका ईयर। तो ये बेसिकली मैं कहूंगा अगर ये चार चीजें जो है वो उस रिपोर्टर के बारे में है कि भैया उसको मिलेगा कहा, ये वो तो मोटी सी किताब या तो मोटा सा वॉल्यूम रहेगा, उसके अंदर एग्जैक्टली मुझे कहां मिलेगा ये बताएगा। राइट? और कौन से केस, ये कौन से कोर्ट में हुआ, सेशंस कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो आपको यहां पे पता चलेगा। और फिर डिटेल में पता चल जाएगा कि और आपको देखना है तो आप इस केस लॉ को ढूंढो और उसकी डिटेल्स में चले जाओ। क्लियर है? अब सर पेपर में अगर मुझे केस लॉ ध्यान रखना है तो ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना? ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना ए वर्सेस बी, पार्टी का नाम मेन है, पार्टी का नाम मेन है। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अच्छा सर हम ना तीन शब्द पढ़ने वाले हैं, तीन शब्द बीच बीच में आते हैं, सब्सक्राइबर, मेंबर एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी। इसका रेफरेंस थोड़ा सा वाइंडिंग अप चैप्टर में ज्यादा आएगा, बट समझ लो कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों सेम पर्सन है। सब्सक्राइबर, मेंबर और कॉन्ट्रीब्यूटरी सेम है। सर सेम, फिर इसके नाम मैंने तीन क्यों दिए? डिपेंड्स की कंपनी आज कौन से स्टेट में काम कर रही है, मतलब स्टेट मतलब किस हालत में काम कर रही है। अगर आज एक कंपनी बन रही है और उसमें मैं पैसा लगाता हूं तो मैं हूं सब्सक्राइबर, तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन उस बंदे को बोलेंगे सब्सक्राइबर। आज जब कंपनी एग्जिस्टेंस में है तो उसको बोलेंगे मेंबर, दैट इज द ओनर। ये तो नॉर्मल है, शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर है। राइट? और जब कंपनी का ताला लगने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब वाइंडिंग अप स्टार्ट होती है, तो उसको बोलेंगे सर कॉन्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि उससे हो सकता है कि उसको पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ जाए, जिसकी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो अगर जो शेयर होल्डर है वो वही है, लेकिन कंपनी के अलग अलग स्टेज के हिसाब से उसका नाम अलग अलग हो गया। क्लियर है यहां तक कोई क्वेरी? आगे बढ़ सकते हैं? ये बेसिक्स है, आपसे नहीं कोई पूछेगा सब्सक्राइबर मेंबर बताओ, लेकिन ये चीजें डाउट्स आती है बाद में, सो ये बेसिक्स की क्लास आपको स्टिक करनी है। राइट? नेक्स्ट अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। मोटा मोटा एक जनरल आइडिया लेने के लिए इंक्लूसिव लिस्ट दे रहा हूं आपको कि यार अथॉरिटीज क्या क्या आने वाली है। देखो एक आने वाली है MCA जो कि मिनिस्ट्री है टॉप लेवल की, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। फिर एक आते RD रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर बड़े बड़े रीजन, मतलब नॉर्दर्न रीजन का होता है, सदर्न रीजन का होता है। फिर होते हैं हमारे ROC, ये स्टेट वाइज भी होते हैं, जैसे दिल्ली में आपको ROC मिलेंगे, मुंबई में एंड पुणे में आपको ROC मिलेंगे, ऐसे अलग अलग ROC मिलेंगे। देन आता है एक CRC, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम ये चीज आती है। फिर एक आता है हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर, दिस इज अ सरकारी पोस्ट, ठीक है, ये सरकार की पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल मतलब ये दो नाम क्यों लिखे हैं? सी, वन इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड वन इज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट मतलब इसके थोड़ा सा एक लेवल ऊपर। राइट? एंड देन आते हैं हमारे कोर्ट, तो इसके अंदर हाई कोर्ट भी आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब बेसिकली कोर्ट सिस्टम अलग होता है। राइट? ओके, अब एक आपको जेनेरिक डिफरेंस पे लेके जा रहा हूं, ओके, वेरी जनरल आइडिया as to what is the difference between courts and tribunals, ठीक है, ये generic है, मतलब ये किसी specific chapter के लिए नहीं है, आपको एक idea लगाने के लिए कि सर court भी सुनते हैं हम, tribunal भी सुनते हैं, एक मोटा मोटा idea लगाने के लिए, ठीक है। ये जो handwritten notes है ना, इसका मैं end में class होने के बाद daily, तो आप भी confusion हो जाएगी कि सर इतने सारे notes अलग अलग आ रहे हैं, एक इसका एक PDF बना के मैं आपको दे दूंगा,
दिस माइट नॉट बी इन द A4 फॉर्मेट, बट आपको प्रॉपर पीडीएफ खुल जाएगा लैपटॉप में, उसमें से नोटिंग करनी हो तो कर लेना. क्लियर? सो जनरल डिफरेंस बिटवीन अ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल. बेसिक बेसिक डिफरेंस क्या है? कोर्ट में आप देखोगे सिविल केसेस भी आते हैं, क्रिमिनल केसेस भी आते हैं. सिविल भी आते हैं जैसे कंपनी के केसेस, क्रिमिनल भी आते हैं जैसे मर्डर, दैट इज अ क्रिमिनल केस, तो वो भी आता है. ट्रिब्यूनल को हम जनरली बोलते हैं माइनर कोर्ट्स, मतलब कोर्ट्स का छोटा सा भाग इन विच स्पेसिफिक केसेस विल बी डेल्ट. जैसे कंपनीज एक्ट में आप ट्रिब्यूनल देखोगे तो वो सिर्फ कंपनी लॉ के सिविल केसेस उठाएगा. अगर कंपनी में मर्डर हो गया तो वो ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास उसका पावर नहीं है. क्लियर? उसके लिए फिर कोर्ट ही जाना पड़ेगा. फिर एक आता है हमारा सर बेसिक डिसीजन मेकिंग. कोर्ट जो है वो जनरली आपको वाइड तरीके के डिसीजन दे सकता है, जैसे वो अपना जजमेंट दे सकता है, एक्विटल दे सकता है. एक्विटल मतलब जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है उसको बोल देंगे तू टाटा बाय बाय, यू आर नॉट गिल्टी, गो, यू आर फ्री. डिक्री मतलब काइंड ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर ओनली, अ जजमेंट ओनली. और कन्विक्शन, कन्विक्शन मींस वेयर द कोर्ट सेज ओके दिस पर्सन इज गिल्टी एंड काइंडली ही विल बी पनिश्ड एज सच, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, व्हाटएवर इट इज. नेक्स्ट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन आते दे आर जनरली इन द नेचर ऑफ अवार्ड्स. अवार्ड्स, अवार्ड्स आर नॉट एग्जैक्टली अ जजमेंट और अ डिग्री, बट स्पेसिफिक अवार्ड दैट ओके मिस्टर ए इज गिल्टी, ही विल पे रुपीज 2 लाख टू दिस दिस कंपनी. क्लियर? सो थोड़ा स्कोप कम हो गया, थोड़ा स्कोप कम हो गया. नेक्स्ट जनरली आप देखोगे इन कोर्ट देर इज अ जज और देर इज अ मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट जैसे सेशंस कोर्ट वगैरह में होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपने नाम सुना होगा, राइट? एंड इन ट्रिब्यूनल यू विल फाइंड चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर. सो दीज आर द मेंबर्स एंड दीज आर द ऑफिसेस. यू वोंट फाइंड जज नेसेसरीली इन अ ट्रिब्यूनल. आपको वहां पे मिलेंगे चेयरपर्सन, आपको वहां पे मिलेंगे जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर. क्लियर? एंड नेक्स्ट प्रोसीजरल कंप्लायंस. कोर्ट जनरली फॉलोज अ कोड ऑफ प्रोसीजर, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है, क्रिमिनल कोड आपने पढ़ा होगा, वो चीजें जनरली कोर्ट फॉलो करता है. ट्रिब्यूनल का एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, ट्रिब्यूनल को अथॉरिटी हम दे देते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो अपने आप हैंडल कर, यू कैन हैव योर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, हम अलग से आपको नहीं देंगे. क्लियर? ये था एक बेसिक जेनेरिक डिफरेंस, बेसिक बेसिक जेनेरिक डिफरेंस ये हो गया. आगे बढ़ते हैं. अब एक जनरल आइडिया लगाने के लिए निर्मला सीतारमन, ओके, शी इज द ऑनरेबल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये चीज आती है. एंड राव इंदरजीत सिंह इज द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट. सर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट और स्टेट मिनिस्टर एक ही बात है क्या? कोई बताएगा मुझे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट और स्टेट मिनिस्टर, क्या ये एक ही बात है? यस हनी, पनिश कर सकता है, बट वो पनिश मतलब ऐसे नहीं कि इम्प्रिजनमेंट वगैरह जनरली आप देखोगे नहीं होता उसमें, पेनल्टीज वगैरह लगाता है और वो जनरली इन द नेचर ऑफ अवार्ड जाती है. ओके, क्या मिनिस्टर, गुड, ओके मेगा, यस. और कोई, और कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट और स्टेट मिनिस्टर में कोई फर्क है? ओके, आई विल कीप माय क्वेश्चन सेम कि इज आर दीज टू मीनिंग्स, दीज टू टर्म्स एग्जैक्टली द सेम और नॉट? गुड अविनाश, मेघा, महक, ओके गुड. सो देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड स्टेट मिनिस्टर आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. स्टेट मिनिस्टर जो स्टेट में एज अ मिनिस्टर काम कर रहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है ही असिस्ट्स द मेन कैबिनेट मिनिस्टर. ठीक है? सो इन आवर करंट केस विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट अफेयर्स, निर्मला सीतारमन जी को असिस्ट करने के लिए राव इंदरजीत सिंह है. ये किसी स्टेट दिल्ली महाराष्ट्र के मिनिस्टर नहीं है, ये है सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं, बट ये हेल्प कर रहे हैं निर्मला सीतारमन जी को. क्लियर? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट. मिनिस्टर ऑफ स्टेट असिस्ट्स द कैबिनेट मिनिस्टर, राइट? नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज डेप्यूटी टू कैबिनेट. वेरी वेरी गुड अभिषेक, वेरी वेरी गुड, बढ़िया आंसर दिया है, गुड. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं. गवर्नमेंट के तीन बेसिक विंग्स को समझ लो. तीन बेसिक विंग्स मतलब अलग अलग काम दिए जाते हैं, राइट? दीज आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, दैट इज पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इंक्लूडिंग अवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? सो लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है.
एग्जीक्यूटिव लॉ को एनफोर्स करता है, जैसे हमारा एमसीए। अब एमसीए हमारा काम क्या कर रहा है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको आज मैं इंडिया में एनफोर्स करूंगा, जिसने गलती करी उसको पकड़ूंगा, उसको पनिश भी करूंगा। तो आरओसी वगैरह ये सब इनके अंडर काम करते हैं, आरडी एमसीए के अंडर काम करता है, क्लियर। और एक है जुडिशियरी, ये लॉ को इंटरप्रिट करते हैं, ये लॉ को इंटरप्रिट करते हैं, लड़ाइयां सुलझाते हैं। तो केस लॉज यहां से निकलते हैं, केस लॉज यहां से निकलते हैं। तो आज जब मैं बोलूंगा कि ये काम गवर्नमेंट का है, अरे ऐसे नहीं, आपको बताना पड़ेगा किस किस काम की बात कर रहे हो, उसके हिसाब से अपने को काम असाइन करना है। लॉ बनाना है तो गवर्नमेंट में से आप स्पेसिफिकली लोकसभा राज्यसभा के पास जाओ। आपको कोई लड़ाई हो रखी है, कोई केस चल रहा है आपका कोर्ट में, तो आप जुडिशरी के पास जाओ। और जब कोई लॉ एनफोर्स कराना है, कोई कंपनी ने जैसे कोई नॉन कंप्लायंस कर दिया, उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल होनी है, तो आप लोकसभा में मत जाओ, आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास जाओ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या ये बात क्लियर है? ये तीन बेसिक थिंग्स थे। अब एक और चीज, आपको पता है कोई भी एक्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, कोई भी एक्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, मतलब उसका बर्थ कैसे होता है? बेसिक ड्राफ्टिंग होती है एक कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू। ये बच्चे भूल जाते हैं, सीधा लोकसभा से काम नहीं स्टार्ट होता, सीधा ये याद नहीं रखना है। ये दोनों चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए कि बेसिक ड्राफ्टिंग होती है कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस का कुछ काम है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में पहले ड्राफ्टिंग की जाएगी कि आपको दिमाग में क्या है, सर बताओ तो सही, उसकी ड्राफ्टिंग तो करो, जिसके ऊपर डिस्कशन रखा जाएगा, क्लियर। उसको प्लेस किया जाता है एक स्टैंडिंग कमिटी के पास ऑफ पार्लियामेंट। ये भी बच्चों को नहीं पता होता, आपको पता होना चाहिए। स्टैंडिंग कमिटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी उसको देखती है और कंसिडर करती है कि इसको लोकसभा में भेजे या नहीं भेजे। नेक्स्ट आपका आता है लोकसभा। ये जो पीपल, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना लोकसभा, यहां पे इस चीज को कंसिडर किया जाता है। लोकसभा इस चीज को अगर ओके करता है, लोकसभा अगर इस चीज को ओके करता है तो ये बात आगे बढ़ती है राज्यसभा के पास। एमपीज इस चीज को हैंडल करती है। अगर राज्यसभा को लगा हां सब ओके है तो ये आगे जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस चीज के ऊपर अपने सिग्नेचर ना कर दे, टिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट साइन दैट थिंग, दैट इज नोन एज अ बिल। एंड एज सुन एज द प्रेसिडेंट सिग्नेचर इज रिसीव्ड, दिस बिल इज नोन एज एक्ट। नाउ आई एम आस्किंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये एक्ट का ऑपरेशन क्या जरूरी है उसी दिन होगा जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया? विल दिस एक्ट बी ऑपरेशनल फ्रॉम द डे, नेसेसरीली विल इट बी ऑपरेशनल फ्रॉम द डे इट रिसीव्स द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट? जल्दी से बताओ, विल दिस एक्ट बी ऑपरेशनल फ्रॉम द डे सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट इज रिसीव्ड, और सम डिफरेंस इज पॉसिबल? वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड वरुण, अविनाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। सो यू मस्ट हैव सीन सेक्शन नंबर 1 ऑफ एक्ट्स, और हम अभी और देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। सेक्शन नंबर 1 होता है, सेक्शन नंबर 1 में, गुड गुड अंगी, कैन बी रेट्रोस्पेक्टिवली, वेरी गुड, अपॉइंटेड डेट, पब्लिश इन ऑफिशियल, राइट रयासाम। सो वन स्टूडेंट हैज रिप्लाइड दैट नो, इट इज ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट इट इज पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट। इज इट करेक्ट? इज इट एंटायरली करेक्ट? नो, इट इज नॉट एंटायरली करेक्ट। व्हाई? आई विल टेल यू। यस अभय, हनी, मेघा, वेरी गुड, मेघा का एक बहुत ही स्पेसिफिक आंसर आया है। फरिया, नो फरिया, प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज वन सेक्शन नंबर 1 इन एवरी एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट द कमेंसमेंट डेट, एंड दैट कमेंसमेंट डेट नीड्स टू बी चेक्ड। नाउ दिस कमेंसमेंट डेट कैन बी एनीथिंग, उसके अंदर वो बोल सकते हैं कि दिस एक्ट विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम द डे इट इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट, देन इट विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम द डे इट इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट। इट मे से, जैसे अंगी, वन स्टूडेंट अंगी ने बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, तो हो सकता है उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट दे दे, वो डेट बता दे कि इट विल बी ऑपरेशनल, इट शैल बी डीम्ड टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम पास्ट डेट, और इट मे से इट विल बी डीम्ड टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम द डे द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स। तो अलग अलग चीजें पॉसिबल है, हम इसके अंदर यूनिफॉर्म आंसर नहीं दे सकते। कोई भी आपसे पूछेगा, हाँ भाई ये कब आया सेक्शन, या ये एक्ट कब आया, आप उस एक्ट का सेक्शन नंबर 1 देखना, आपको जवाब मिल जाएगा, क्लियर। यस श्वेता, गुड, द डेट व्हेन इट कम्स टू बी इफेक्ट विल बी मेंशन इन सेक्शन नंबर 1। अंकित, ग्रेट। मनन, ऑफिशियल गजेट नोटिफाइज द विद इफेक्ट फ्रॉम डेट। उसके लिए मनन थोड़ा सा अपने को सेक्शन 1 पहले देखना पड़ेगा, अगर सेक्शन 1 ने बोला ऑफिशियल गजेट की डेट तो ऑफिशियल गजेट की डेट, वरना नहीं।
ठीक है ओके। तो आगे प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद यस ऑफिशियली तो वो ऑफिशियल गजेट में, मतलब एक फॉर्मल प्रोसेस में वो ऑफिशियल गजेट में तो जाएगा ही जाएगा, बट ऑपरेशनल कब होगा ये सेक्शन नंबर वन बताएगा, ऑपरेशनल कब होगा वो सेक्शन नंबर वन बताएगा, क्लियर। और इस चीज को हम प्यार से बोलेंगे एक्ट, एक्ट ना कि बिल। तो बिल से एक्ट का जो कन्वर्जन है वो है प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपने अभी ये वर्ड सुने हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्सेस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेट मी टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनीज एक्ट ने, कंपनीज एक्ट ने डिफरेंसिएशन ऑफ दीज टू टर्म्स नहीं दिया। कंपनीज एक्ट में आपको कहीं पे भी इसका डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट इनहेरेंटली एक डिफरेंस है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कौन, जो डेली आके काम कर रहे हैं ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, फॉर एग्जाम्पल होल टाइम डायरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब और आने वाला है चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 2 क्लॉज 94 में, उसका रेफरेंस मैंने यहां पे भी दे रखा है। 294 क्या कहता है, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। सर ये क्या बोल दिया, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। यस होल टाइम का मतलब क्या, सी लॉ में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स। होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब एक पोस्ट, होल टाइम मतलब पूरे टाइम, तो जो फुल टाइम काम कर रहा है एज अ डायरेक्टर वो बन गया हमारा होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। इनको प्यार से बोला जाता है इनसाइड डायरेक्टर, व्हाई, बिकॉज दे आर वर्किंग डे इन डे आउट इनसाइड द कंपनी, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनी। एंड इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी एग्जांपल इज पॉसिबल। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? यस व्हाट विल बी मेंशन, अंकित हो गया, मनन, अच्छा ये तो पुराने हैं, यहां तक कोई इशू है? नाउ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस उल्टा कर दो, जो एग्जीक्यूटिव नहीं है, नॉट एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनको प्यार से बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर या आउटसाइड डायरेक्टर, और इसका एग्जांपल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जल्दी से बताओ, विल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बी प्रेजेंट इन एवरी मीटिंग एवरी डे इन द ऑफिस? आंसर इज नो, ही इज एसोसिएटेड इन अ लिमिटेड कैपेसिटी, ही इज एसोसिएटेड इन अ लिमिटेड कैपेसिटी, राइट? सो ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये दोनों चीजें जरा मार्क करना कि इनके बीच में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है और इन दोनों की ड्यूटी सेम है अंडर सेक्शन 166 जो हम चैप्टर नंबर 1 में करने वाले हैं। इसको छोड़ के हम कुछ और डायरेक्टर्स भी करने वाले हैं, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स जैसे एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ये सब सेक्शन नंबर 161 में आने वाला है इन चैप्टर नंबर 1 इटसेल्फ। यहां तक कोई क्वेरी है, आगे बढ़ सकता हूं, यानी एक बार फटाफट से ओके या थम्स अप मुझे दे दो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके ओके थम्स अप, मुझे भी समझ आ रहा होता ना कि हाँ चीजें फ्लो में आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। ओके या थम्स अप नहीं आ रहा है भी किसी का, जल्दी बताओ। यस यस ओके 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 सबका आ गया एक साथ, ओके सो आई एम मूविंग अहेड। अब आपसे अगर कोई पूछेगा बेसिक रीडिंग ऑफ एनी सेक्शन और रूल, आपने देखा होगा ना कि जैसे सेक्शन होता है फॉर एग्जांपल 164, उसमें आप देखोगे आगे होता है 1, उसके आगे कुछ लिखा होता है ए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अविनाश फरिया थैंक यू, आकाश देवेश रेयासम वेरी वेरी गुड, आगे ए, उसके आगे ऐसे दिया होता है, उसके आगे पता नहीं कुछ और दिया होता है, इस चीज को रीड कैसे करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना, इस चीज को रीड कैसे करना है। तो समझना जब भी मैं सेक्शन की बात करूंगा तो सेक्शन आता है, उसके आगे एक सबसेक्शन आता है, उसके अंदर क्या आते हैं क्लॉज, फिर आते हैं सब क्लॉज, उसके आगे आता है पैरा और सब पैरा। इसी तरीके से जब आप रूल पढ़ोगे तो एक आता है रूल, उसके नीचे आता है सब रूल, फिर आता है क्लॉज, फिर आता है सब क्लॉज, फिर आता है आइटम, उसके नीचे सब आइटम। इसके नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी आपको इसके नीचे का कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, क्लियर? तो ये जस्ट एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कल को आपसे कोई पूछेगा हाँ भाई ये क्या लिखा हुआ है तो आप उसको कोट करते हुए बता पाओ कि हाँ ये सेक्शन सब सेक्शन दिस, क्लॉज दिस, सब क्लॉज दिस, पैरा दिस, सब पैरा दिस, क्लियर? अब ये जनरल है, इसको जस्ट रीडिंग के लिए मैंने दिया है, ये आप इंटर में भी पढ़ते हो कि प्रोविजो का मतलब क्या होता है। देखो प्रोविजो अलग अलग पर्पजेस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ चीज लिख दी सेक्शन के अंडर, मुझे लगा यार इसमें से ना एक एक्सेप्शन क्रिएट करनी है तो मैं नीचे प्रोविजो डाल दूंगा कि भैया प्रोविजो दिस विल नॉट अप्लाई ऑन दिस दिस दिस, या फिर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा या सब कुछ भी काम कर सकता हूं जो मेरे को एक्स्ट्रा करना है मेन सेक्शन को छोड़ के, राइट? सो उसके लिए आते हैं प्रोविजोस,
आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एक्सेप्शन क्रिएट करना, जैसे एडिशनल कंडीशन डालना, जैसे प्री कंडीशन डालना, या कोई चीज एक्सप्लेन करना। आप ओपीसी में, अभी ये इसका एग्जांपल अभी आप छोड़ दो, ये इंटर में पढ़ाते हम, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है सेक्शन 3 में जाने की। या फिर कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना, जैसे हम पढ़ने वाले 149(1), उसके अंदर बात होती है डायरेक्टर्स की, कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर आते हैं, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब उसमें ना जब आप पढ़ोगे कि सेकंड प्रोविजो आता है, वो सीधा एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, कौन सा, वुमेन डायरेक्टर का। तो हो सकता है वो एक नया कंसेप्ट ही डाल दे कि हाँ मिनिमम मैक्सिमम ठीक है ये भी समझ लो। तो ना प्रोविजो का बहुत वाइड मीनिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड प्रोविजो बनाते हैं हम जनरली ऐसे काम के लिए भी कि जिसमें वी हैव टू क्रिएट एन एक्सेप्शन फॉर फर्स्ट प्रोविजो। मतलब फर्स्ट प्रोविजो बोल दिया कि ये काम कर लेना, सेकेंड प्रोविजो ने बोला फर्स्ट प्रोविजो नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस, सो दैट इज एन एक्सेप्शन फॉर फर्स्ट प्रोविजो। नेक्स्ट, कभी कभार प्रोविजो आता है टू क्रिएट टाइम लिमिट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन द मेन प्रोविजन। तो ये डिपेंड करता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसके लिए अलग अलग कंटेक्स्ट में हमें प्रोविजो डालना पड़ सकता है, हमें मतलब लॉ वालों को जिन्होंने लॉ बनाया, राइट। So this is not very very important. अच्छा सर, अब मैं आपको एक चीज ऐसी करा रहा हूं जो कि बहुत ही अलग है, मतलब ये आपको पेपर में डायरेक्टली यूज नहीं होने वाली बट समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल, मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रीड कर रहा हूं, क्या, मिस्टर ए शैल बी इन ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। आगे क्या दिख रहा है, कॉमा। इस चीज को जरा थोड़ा सा ध्यान देना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉमा, एंड देयर आफ्टर फॉर सक्सेसिव 1 year टर्म्स, एक और कॉमा। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि मिस्टर ए का इनिशियल पीरियड ऑफ ऑफिस है 2 साल का, एंड उसके बाद सक्सेसिव हर एक साल के लिए वो अपॉइंट किया जाएगा, एंड उसके आगे क्या पढ़ रहा हूं मैं, अनलेस एंड अंटिल टर्मिनेटेड बाय द कंपनी बाय गिविंग अ 30 days नोटिस इन राइटिंग। अब इस चीज को प्लीज मत पढ़ना, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कि यहां पे जो टर्मिनेशन की बात, ब्लैक ले लेते हैं एक सेकेंड, यहां पे जो टर्मिनेशन की बात चल रही है, मेरा सिंपल सवाल है, ढंग से सुनना, नीचे का मत पढ़ना, यहां पे जो टर्मिनेशन है वो ओरिजिनल पीरियड की बात करी जा रही है या सक्सेसिव टेन्योर जो 1 साल का है। आई एम आस्किंग वन वेरी सिंपल क्वेरी, इन दिस स्टेटमेंट इंटरप्रिट इट as it may deem fit to you and try to interpret and answer this question. In this case, can Mr. A's termination be done of the original office of 2 years, or it can be done of successive of 2 years, or it can be done of both? Yes, Mehak, it is possible ki section, jaise section 2 mein ho, subsection na ho, seedha clauses aa jaye. Yes, it is absolutely possible. General nomenclature ye rehta hai, section, subsection, clause, subclause. Par ho sakta hai, seedha clauses mein aa jaye, jaise section number 2 mein aata hai, definitional clauses mein. Yes, correct. Angi, successive tenure, Divya, original, both, Rishabh both, Mehak both, Avinash both. थोड़े से और रिप्लाइज का, 1 मिनट और वेट कर रहा हूं, बताओ मुझे इसके अंदर टर्मिनेशन किस चीज का पॉसिबल है। इट कैन बी डन फॉर बोथ, अविनाश ओके, सीमा बोथ, ऋषभ बोथ, अच्छा, वेरी वेरी गुड, मेजॉरिटी ने सही आंसर दिया है। अविनाश आपने बोला ओनली फॉर सक्सेसिव ईयर्स। मेघा ने भी बोला ओनली फॉर सक्सेसिव ईयर्स। नो, प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पे इन्होंने क्या, देखो कॉमा का जो मतलब होता है ना, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ सेपरेशन। सी, एक चीज का ध्यान रखना, पार्लियामेंट में जो बैठा है आज, वो एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक वर्ड और एंड द अ फालतू में नहीं यूज कर सकता। कॉमा की जरूरत नहीं रहेगी तो वो कॉमा नहीं लगाएगा, ठीक है। हम जैसे इंग्लिश में व्हाट्सएप टाइपिंग करते हैं ना, वैसा पार्लियामेंट में टाइपिंग नहीं हो रहा है कि कॉमा लगा दिया। अब यहां पे आप समझो, इन्होंने जब ये चीज बोली कॉमा, तो इन्होंने सेपरेशन क्रिएट कर दिया, और इसके आगे की जो बात लिखी वो दोनों के लिए लिखी, सक्सेसिव के लिए भी और ओरिजिनल के लिए भी। तो जिन्होंने बोध बोला, वेरी वेरी गुड, शिवम गुड, स्नेहल गुड, आकाश, अभय, वेंकट, अच्छा, सक्सेसिव वालों को ये चीज समझ आई या नहीं आई, अविनाश, मेघा, अंगी, जिन्होंने बोला ओनली सक्सेसिव,
उनका बताओ कि क्या ये क्वेरी क्लियर हुई है कि व्हेन वी से कॉमा दिस इज अ सेपरेशन एंड व्हेन वी सेपरेट समथिंग देन द नेक्स्ट थिंग लाइज फॉर एवरीथिंग दैट इज सेड बियॉन्ड दैट, मतलब बिफोर दैट, बिकॉज कॉमा लग गया है. कॉमा नहीं लगता तो अब बताओ, अगर ये कॉमा नहीं होता, इमेजिन दिस कॉमा नहीं है, इफ दिस कॉमा इज नॉट देयर, तो बताओ मुझे टर्मिनेशन किसका हो सकता है. अंगी गुड, मेगा गुड. अब अगर ये कॉमा ही नहीं है तो बताओ मुझे ये टर्मिनेशन किसका हो सकता है. किसका हो सकता है फिर टर्मिनेशन, सक्सेसिव का या दोनों का. इफ दिस कॉमा इज नॉट देयर, आई एम डिलीटिंग दिस कॉमा. Only of successive, Avinash, good. और बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, if this comma is not there, आकाश original क्यों भाई, original के आगे तो वैसे भी comma लग गया है, ये चीज तो अलग हो ही गई है. Successive, good. अभिषेक good. वेंकट good. वरुण good. ठीक है, मतलब आइडिया आपको लग चुका है, कंसेप्ट क्लियर है. प्लीज समझना कि अगर ये कॉमा डिलीट हो गया तो ये अनलेस वाली बात किसके लिए लिखी गई है, इसको एक ही फ्लो में पढ़ना पड़ेगा ना, एंड और ये कॉमा और एंड के बाद, कि देयरफॉर फॉर सक्सेसिव सक्सेसिव अनलेस टर्मिनेटेड. तो प्लीज अंडरस्टैंड कॉमा का इंपॉर्टेंस क्या है, यही चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर रखी है. प्यार से एक बार घर पर रीड ले लेना, ठीक है. थोड़ा 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 होमवर्क तो मैं दूंगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आपको घर पर पढ़ना है मेरे लिए, ठीक है. इस केस में अगर मैं कॉमा डिलीट कर दूं तो ओरिजिनल का टर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है. वेरी गुड अविनाश, कॉमा नहीं है तो ओनली फॉर सक्सेसिव. आकाश ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉमा नहीं, मैं सेकंड कॉमा डिलीट कर रहा हूं, फर्स्ट कॉमा अभी भी ऐसा ही है. आई थिंक दिस प्रोसेस इज क्लियर. ये चीज आपको पेपर में डायरेक्टली हेल्प नहीं करने वाली, लेकिन सर मेरा एक एम है कि मैं आपको सिर्फ पेपर नहीं लॉ भी पढ़ना सिखाऊं, तो आगे जाके जब कॉमा आएगा, आप बोर्ड रूम में बैठे होंगे और आपको ये चीज पूछी जाएगी, अपना इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग रखना. ये चीज मेरे लिए काम आई थी, आई वॉज वर्किंग विद EY, उसमें मैंने ये कॉमा के ऊपर एक चीज खेली थी, एंड आई वॉज एप्रिशिएटेड फॉर दैट. आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स. क्लियर क्लियर, आगे बढ़े. यस सर, चलो कॉमा वाली चीज क्लियर है ना, बस एक बार बता दो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं. कॉमा वाली चीज सिर्फ कॉमा वाला बता दो, क्योंकि ये चीज बाद में डाउट नहीं चाहिए मेरे को, फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं. ओरिजिनल के बाद एंड दोनों क्यों दिए. ऋषभ आई डिडंट गेट योर क्वेरी. दोनों क्यों दिए मतलब आई डिडंट गेट ऋषभ. देखो ये वाला जो कॉमा है ये पहला सेपरेटर है और उसके बाद ये सेकंड सेपरेटर है, तो उसके बाद जब मैंने अगर चीज बोली वो दोनों के लिए लगेंगी क्योंकि सेपरेटर लग गया यहां पे. अगर ये चीज नहीं होती तो इसको मैं एक फ्लो में पढ़ता. मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं, रुको जरा, दोबारा बता रहा हूं एक क्विकली समरी वे में, किसी का क्वेरी ना रहे. देखो ये मेरा पहला सेपरेटर है, उसके बाद मैंने दूसरी बात कही, उसके बाद मैंने एक और सेपरेटर दिया, तो इसके बाद वाली बात जो है वो दोनों के लिए लगेंगी ना, क्योंकि कॉमा लग चुका है. अगर ये कॉमा को मैं डिलीट कर दूं, अगर मैं इस कॉमा को डिलीट कर दूं, ये है ही नहीं, सपोज ये है ही नहीं, तो ये वाली बात मैं फ्लो में पढ़ूंगा फॉर सक्सेसिव टर्म्स. ये मैं इस पे नहीं लगा सकता क्योंकि ये फ्लो में आ जाएगी फॉर सक्सेसिव टर्म्स, फिर उस केस में ओरिजिनल का टर्मिनेशन नहीं पॉसिबल है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. यस सबका यस यस आ गया. ऋषभ कोई भी क्वेरी रहता है व्हाट्सएप नहीं, मैं कर दूंगा क्लियर. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज. अब देखो मोटा मोटा डिफरेंशिएशन बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्यूट, स्टेट्यूट मतलब लॉ, और ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इंडिया में कंपनीज क्रिएट होती है. इंडिया में अगर आप देखोगे कि स्टेट्यूट के बेसिस पे एक हो सकता है कंपनी जो अपने भारत के कंपनीज एक्ट में बर्थ लिया हो, बर्थ मतलब रजिस्टर्ड. सो दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया दैट इज अंडर आवर कंपनीज एक्ट. और उसको छोड़ के कुछ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है जैसे SBI, LIC, ICAI, ICSI, ये स्पेशल स्टेट्यूट के अंदर होती है ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. मतलब पार्लियामेंट ने बनाया CA एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, अब उसके अंदर ICAI बनाया गया, इसी तरीके से ICSI बनाया गया, इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटेंट्स का जो इंस्टीट्यूट बनाया गया. सो दिस डिफर्स कि अपना इंस्टीट्यूट है या अपनी कंपनी है, राइट. सो डिपेंड्स कि उनके ना अलग अलग प्रोविजंस भी आप देखोगे, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के भी आप अलग प्रोविजंस देखोगे आगे जाके. ये हो गया वन ऑफ द पार्ट्स. मेन अपना जो मैटर करता है वो ये वाला, क्या कि अगर इंडिया में कंपनी बन रही है तो वो किस किस प्रकार की बनती है. मोटा मोटा तीन कंपनीज बनती है,
अगर आपके पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है कि सर आप तो सीए बन गए है ना, आप सीए बनने वाले हो ना, मई के बाद जून जुलाई में आपका रिजल्ट निकलेगा, आप सीए बन जाओगे। एक आए क्लाइंट आपके पास, शर्मा जी आए, उन्होंने कहा सर एक कंपनी बनानी है। तो आप पूछोगे भाई कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी बनानी है? कंपनी तो तीन प्रकार की होती है, क्या क्या? प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। प्राइवेट, पब्लिक, अच्छा मेरे साथ बोलते रहना, आप रूम में आए हो, अकेले बैठे हो तो आप बोलते रहो मेरे साथ, इंटरेक्टिव बनाओ क्लास को, ठीक है? तो तीन कंपनीज होती है सर, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। प्राइवेट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, पब्लिक डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में, और ओपीसी एक अलग कंपनी। अब ओपीसी को मैं अलग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसके अंदर एक मेंबर रहता है, उसके अंदर सिर्फ एक मेंबर रहता है। प्राइवेट और ओपीसी में, प्राइवेट और पब्लिक में ऐसा नहीं है, ठीक है? तो मोटा मोटा तीन कंपनी समझ में आ गई है, क्या क्या? प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी, ये तीन कंपनीज है, राइट? अब ये जो कंपनीज में आपने देखा होगा ना, नाम क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड। नाम क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। अब इसमें से मेरा जो फोकस है इस वर्ड पे है, लिमिटेड। अभी तक ना आपने जो भी चीजें सुनी है, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग। ये नाम दिया हुआ है लिमिटेड का मतलब क्या है, पूछो कि सर ये लिमिटेड का मतलब क्या है, क्यों दिया ये वर्ड लिमिटेड? बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ कंपनीज इज लिमिटेड। 12th में पढ़ाया जाता था ना आपको कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सोल प्रोप्रेटरशिप या पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कल को मैंने उधार लिया और मैं नहीं चुका पाया तो मुझे घर में से सामान बेच के आपका पैसा चुकाना पड़ेगा, तो दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बट कंपनी में रहती है लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर ये लिमिटेड कितनी, तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं। ये आपने सब इंटर में पढ़ रखा है, ये सब आपने इंटर में पढ़ रखा है, बट आपको याद नहीं है, तो इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं कि अ कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड अ कंपनी कैन बी एन अनलिमिटेड कंपनी। ये आप ज्यादा नहीं देखोगे, राइट? सो अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब उसका क्या है? शेयर कैपिटल। उसका क्या है? शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना, वो एक कसम खाते हैं, वो एक कसम खाते हैं, वो कहते हैं अगर कंपनी की वाइंडिंग अप की बारी आई तो मैं 2,00,000 रुपए दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरी गारंटी है। सो दिस इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब माय क्वेश्चन, नीचे कुछ मत देखो, माय क्वेश्चन टू यू ऑल, कैन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैव अ शेयर कैपिटल? कैन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैव अ शेयर कैपिटल और नॉट? क्विकली यस और नो। Can a company limited by guarantee have a share capital or not? नीचे कुछ मत देखो please। हो सकता है मैंने गलत दिया हो सकता है मैं आपको कुछ चीजें चेंज करवाऊंगा, मेरी मर्जी है वो। Yes, 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 yes। अविनाश, महक, श्वेता, ऋषभ, वरुण, yes, दिव्येश, सीमा, अंगी, वेंकट, okay, okay। किसी का आंसर नो है? अच्छा, आप किसी का नो है तो ये टाइप करो। हो सकता है मैंने नीचे कुछ गलत दिया हो, मैं बस आपसे अभी टेस्ट कर रहा हूं भाई, मैं हो सकता है आपके गलतियां कराऊंगा। तो चलो, मेरी कोशिश फेल हो चुकी है, सबने सही आंसर दिया है। अविनाश, स्नेहल, दिव्या, एवरीवन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर आपने तो नीचे दिया हुआ है, जल्दी से बताओ, ये तो नहीं देखा ना, ये सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैन हैव अ शेयर कैपिटल, एंड इन दैट केस इट विल हैव ड्यूअल लायबिलिटी। सर ये ड्यूअल क्यों? अरे भाई, एक तो तेरी गारंटी वाला अमाउंट हो गया और एक तेरा शेयर कैपिटल की वजह से लायबिलिटी आ गई। अब एक चीज समझना, जब कंपनी का शेयर कैपिटल होता है तो मेंबर की लायबिलिटी कितनी होती है? ओनली अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। सर सिंपल सी बात है, मैंने 10 रुपए का शेयर लिया और कल को कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, मैंने 10 के ऊपर 4 रुपए पे कर रखे हैं ऑलरेडी, तो कंपनी मेरे से क्या 10 रुपए मांग सकती है या 6 रुपए मांग सकती है? सर 6 रुपए मांग सकती है ना, अनपेड अमाउंट मांग सकती है। वो कहेंगी सर 10 रुपए का शेयर लिया है, 4 रुपए दे रखे हैं, प्लीज गिव अस बैक 6 रुपीज। इफ द शेयर वैल्यू इज 10 रुपीज एंड इफ आई हैव पेड 4 रुपीज, कंपनी कैन मैक्सिमम डिमांड 6 फ्रॉम मी। इट कैनॉट से गिव मी बैक 10, आई विल से आई हैव ऑलरेडी पेड 4, आई कैन पे यू 6 मोर। So, when the company has share capital or a company limited by guarantee has share capital, the liability is restricted to the unpaid amount on shares, right?
Can I move forward? Yes, sir. And it is possible that company limited by guarantee has no share capital. This is normally the case. So in this case, there will be only single liability of guarantee. Am I clear? Snehal, good. Only unpaid amount. Correct. So I'm moving forward. I'm picking some very, very important definitions of section number 2. These are also known as definitional clauses. Okay. And please understand, isme se bahut sari definitions, they may come up repetitively in our company law. I won't be picking that definition again and again. That is the reason I'm investing some time here and picking up all the important definitions. Clear? So, in this act, unless the context otherwise requires, matlab, हो सकता है सिचुएशन में कुछ चेंज करने की पड़ जाए, लेकिन अगर ऐसी कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ी तो हम जो नीचे बोल रहे हैं डेफिनेशंस वही फाइनल है. फर्स्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6. सर एक क्वेरी आती है, सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज लर्न करे या ना करे? इन माय ओपिनियन यू शुड लर्न. व्हेन यू राइट प्रॉपर आंसर्स इट गिव्स अ वेटेज टू योर आंसर, इट गिव्स योर कॉन्फिडेंस, एग्जामिनर फील्स कॉन्फिडेंट एंड दैट इज द इनटेंजिबल एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स. इसके ऊपर मैं बातें और करूंगा, अभी तो ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल करता हूं. अभी मैं ये बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें आपको बताने वाला हूं, तो उसको डील कर लेंगे. अभी जरा ध्यान देते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 के ऊपर. एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी. सर इट इज ऑब्वियस दैट अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं मैं किसी का फ्रेंड हूं, ही इज माई फ्रेंड, तो मुझे किसी के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा ना कि वो मेरा दोस्त है. मैं अकेला अपना दोस्त तो नहीं हो सकता ना. इसी तरीके से एसोसिएट कंपनी अपने आप में तो नहीं हो सकती, उसको जोड़ना पड़ेगा किसी और कंपनी के साथ. सो इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी, मतलब ये एक कंपनी है इन विच दैट अदर कंपनी. तो एग्जांपल लेते हैं, मेरी ए लिमिटेड मेन कंपनी है और ये बी लिमिटेड एनी अदर कंपनी है. ठीक है, तो इन विच ए लिमिटेड के अंदर दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इंफ्लुएंस. सर घुमाते जा रहे हो आप, तो घुमाते जा रहे हो मैं. रुको. सिंपल सी बात है, ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है. बी लिमिटेड का ए लिमिटेड के अंदर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, बट ए लिमिटेड बी लिमिटेड की सब्सिडियरी नहीं है. सब्सिडियरी कहां पढ़ते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 87, इंटर में पढ़ चुके, अभी जरूरत नहीं है, बट समझ लो कि वो सब्सिडियरी नहीं है. ए लिमिटेड बी की सब्सिडियरी नहीं है लेकिन एसोसिएट है. क्यों? क्योंकि बी लिमिटेड का ए लिमिटेड के अंदर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है. क्या यहां तक बात समझ में आई है? वीडियो स्टक तो नहीं है ना? मेघा का है, कैन एनीबडी कंफर्म वीडियो चल रही है ना सही से? मेरे यहां से कोई इशू नहीं है. मेगा इंटरनेट कनेक्शन एक बार आप चेक कर लो प्लीज. बाकी सबके लिए आ रही है ना प्रॉपर? जस्ट कंफर्म कर दो फिर मैं आगे बढ़ू. नो इशू. नाउ इट्स ओके. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, वो हो सकता है किसी का इंडिविजुअल कनेक्शन वो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैकअप भी मिल रहा है, तो प्लीज लेट्स कंटिन्यू. यहां तक क्या ये बात क्लियर है? एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन क्या ये बात क्लियर है? एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हुई है? ठीक है, यस, ओके, नो इश्यूज, आगे बढ़ते हैं. एंड मतलब अब कुछ मैं और बात कहने जा रहा हूं, ठीक है अविनाश, थैंक्स. यस, अब मैं आपको कुछ और बात कहने जा रहा हूं. एंड इंक्लूड्स A joint venture company, मतलब इन्होंने क्या बोल दिया? A limited और यह है B limited. A limited is an associate company of B if B limited has significant influence. Right? But A limited is not a subsidiary of B limited. Plus, इस definition में आपको JV को भी include करना है. अब JV को अलग से आपको नहीं define करा जा रहा है. Simple बोल दिया कि अगर कोई JV company है तो वो associate ही मानी जाएगी.
क्लियर। अब मेरे को दो सवाल आ रहे हैं, मेरे को दो सवाल इसमें से सॉल्व करने हैं जो आपके भी दिमाग में आने चाहिए कि सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बताओ और जेवी का मतलब बताओ, तो ये डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। एक्सप्लेनेशन आई, उसने बोला आपके दो क्वेरीज है ना, आपके दो क्वेरीज है क्या कि सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बताओ और ये जेवी का मतलब बताओ। तो पहले समझो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब अगर किसी के पास, मतलब बी लिमिटेड के पास मिनिमम 20% कंट्रोल है वोटिंग पावर का, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर ये वाला केस नहीं है और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट, यस नेहल, मैनेजमेंट की जगह हम एग्जैक्ट बोलेंगे बिजनेस डिसीजंस, राइट। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में गिरने के दो तरीके बने, क्या 20% टोटल वोटिंग पावर या कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरली काम नहीं चलेगा, ओरली काम नहीं चलेगा, प्रॉपर एग्रीमेंट है उसके पीछे का पार्टिसिपेशन का। क्या ये बात क्लियर हुई है। ये दोनों तरीकों से आता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो देर आर टू वेज टू गेट इन टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। नाउ कम्स माई नेक्स्ट क्वेरी कि सर वॉट डू यू मीन बाय ज्वाइंट वेंचर। तो सर ज्वाइंट वेंचर होता है एक ज्वाइंट एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव द ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट हैव द राइट्स टू द नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। दिस इज अ जनरल डेफिनेशन, ये कोई बहुत वैसी डेफिनेशन नहीं है, ये जनरल डेफिनेशन है, ठीक है, कि जिसके पास वो ज्वाइंट कंट्रोल है ओवर द नेट असेट्स, जैसे आपने और मैंने जेवी बना दी एंड वी हैव द ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द असेट्स, सो वी आर जेवी टू ईच अदर, हम एक दूसरे के एसोसिएट कंपनी बन जाएंगे, क्लियर। तो दोनों क्वेरी सॉल्व, इसका मतलब एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन पूरी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी, क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं, बस एसोसिएट के ऊपर मुझे कंफर्मेशन अलग से दे दो क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सारी जगह आने वाली है। एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन इज ओके, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, ओके डाल दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। सीईओ डेफिनेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब देखो ये कुछ अब सिंपल डेफिनेशन है। 2 क्लॉज 18 सीईओ क्या कहता है, इट मींस एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच बाय इट। कंपनी ने बोला सिद्धेश वाणिम्बे इज अ सीईओ, तो मैं सीईओ, क्यों, क्योंकि मेरे को सर डेजिग्नेट कर दिया गया है, मेरे को बोल दिया तू सीईओ है, तो मैं खुश और मैं कंपनी जट के हिसाब से सीईओ। नेक्स्ट सीएफओ, CFO means a person appointed as CFO of a company. मेरे को अपॉइंटमेंट किया, मेरे ऑफर लेटर में लिखा था यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज अ CFO, तो मैं कंपनी एक्ट के हिसाब से CFO। तो ये दोनों मिलती जुलती डेफिनेशन है, क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20। ऋषभ इट डिपेंड्स कि ज्वाइंट वेंचर किस फॉर्म में बना रहे हैं। अगर आपने कंपनी की तरह, जैसे कई कबार क्या होता है हम कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में पब्लिक लिमिटेड, तो फिर वो लिमिटेड ही रहेगी लायबिलिटी, राइट। तो ज्वाइंट वेंचर में हम जनरली एक एग्रीमेंट करते हैं कि हमें किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बिजनेस का जेवी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि लायबिलिटी कैसी है, ओके। ठीक है ओके, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी। सी कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अरे भाई जब मैं बोलूंगा कंपनी, तो कंपनी मतलब जिसने कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेशन लिया। आज अगर मैंने कंपनी बनाई कंपनीज एक्ट में, तो वो कहलाएगी एक कंपनी। अब मैं बाहर, सपोज यूएस में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, मैं उसको कंपनी तो बोलूंगा, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बर्थ का लिया है यूएस कॉर्पोरेट कंपनी लॉ के हिसाब से, ना कि हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट। सर 1956 एक्ट में लिया होगा तो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर उसने बर्थ लिया है। क्या ये बात क्लियर है? हनी ज्वाइंट ऑपरेशन बहुत जनरल वर्ड है। ज्वाइंट ऑपरेशन बहुत जनरल वर्ड है। ज्वाइंट ऑपरेशन इज नॉट समथिंग विच इज स्टेट्यूटरी, हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे
कंपनी का मतलब प्लीज ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे ये दोनों मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है, वो एक कंपनी है जिसकी लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बींग वाउंड अप। सो वन मेंबर विल से ओके आई विल कॉन्ट्रीब्यूट 2 lakh rupees, सो दैट इज द लिमिटेड। Company limited by shares means a company having the liability of its members limited by memorandum to the amount if any unpaid. So, मैंने बताया if the company is limited by shares, it is the liability is fixed to the amount unpaid on the shares respectively held by them. Next, company liquidator, not a very important definition, एक read के लिए है. It means a person appointed by the tribunal as the company liquidator in accordance with section 275. For the winding up of a company under the act, this will be studied in chapter number 7. And कौन कौन appoint करता है? It is appointed by the tribunal in case of winding up by the tribunal or the company or creditors in case of voluntary winding up. Please understand one point. मैं इसको repeat कराऊंगा, but I want you to understand and learn it right now that voluntary winding up under Companies Act is deleted, omitted. Voluntary winding up under Companies Act 2013 is omitted. Can anybody tell me why this has been omitted? Can anybody try to attempt कि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं कि voluntary winding up अब Companies Act में नहीं होती और omit हो चुकी है? Tell me fast why voluntary winding up does not happen under the Companies Act. Let's see if anybody can, you know, answer this question. Great, Rushabh, good, Avinash, great. Anybody else? Then I will tell you the answer. Great, Rasam. Okay, I think ये question मैंने इतना मुश्किल नहीं पूछा यार, सभी answer कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा क्या? महक थोड़ा सा अपने को स्पेसिफिक रहना है। हर्ष गुड, यस बिकॉज अब आईबीसी आ चुका है, अब आईबीसी आ चुका है, ठीक है। नाउ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड इज देयर एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन व्हाई कंपनीज एक्ट डज नॉट डील विद वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। इफ यू वांट टू गो फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप प्लीज गो टू द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ओके यस 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 हनी, अगर मेंबर ने अनपेड अमाउंट नहीं दिया तो उसके अगेंस्ट आप सूट फाइल करते हो, आप उससे पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हो। अनलेस ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज इंसॉल्वेंट देन दैट टेक्स कोर्स ऑफ सिविल कोर्स, सिविल एक्शन, सिविल प्रोसीजर लगता है उसके ऊपर। लेकिन उतना राइट है कंपनी के पास आपसे वो अमाउंट निकलवाने का, वो निकलवा के रहेगा, केस फाइल कर देगा। क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं। एंड वो जो बंदा कंपनी लिक्विडेटर जो पिक होता है, ही इज पिक्ड एज अ कंपनी लिक्विडेटर फ्रॉम पैनल ऑफ प्रोफेशनल्स व्हिच इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर 275 सबसेक्शन 2। एंड उस सेक्शन 275 सबसेक्शन 2 में आईबीसी का ही रेफरेंस दिया गया है कि आईबीसी के जो इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हीं में से यहाँ पे आप पिक करो, तो वो 275 में आपको पढ़ा दूंगा। ये जनरल मीनिंग है कोर्ट का। जब कोई भी आपको बोलेगा नॉर्मल कोर्ट, तो कोर्ट के अंदर आ जाता है हाई कोर्ट which is having the jurisdiction in relation to the place at which the registered office of the company is situated, except to the extent to which the jurisdiction has been conferred to any district court or district courts subordinate to the high court. मतलब सीधी सीधी बात, high court या फिर उसके नीचे वाला district court। जैसे high court बोलेगा ये cases का jurisdiction उस particular sessions court के पास है या district court के पास है, तो वो district court भी आ जाएंगे इसके अंदर। इन आप देखो next point, the district court in cases where the central government has by notification empowered any district court to exercise all or any of the jurisdiction conferred upon high court within the scope of its jurisdiction in respect of a company whose registered office is situated in the district। एक जनरल बात समझना, कंपनी का केस कहां फाइल होना है ये डिपेंड करता है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर, ये डिपेंड करता है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हर जगह आप देखोगे, आगे भी पूरे लॉ में आप पढ़ोगे कि इट डिपेंड्स, हर जगह जब भी हम जुरिस्डिक्शन असाइन कर रहे हैं वी असाइन एज पर रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो सेशन कोर्ट भी इसके अंदर आ जाता है। स्पेशल कोर्ट्स हम पढ़ेंगे सेक्शन 435, ये चैप्टर नंबर 11 में आएगा,
स्पेशल कोर्ट्स जो है वो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोर्ट ही तो है ना, बस उसका ज्यूरिसडिक्शन बड़ा स्पेसिफिक रहता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इन 435। एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये आपको लर्न नहीं करना है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपको एक रीडिंग के लिए है, तो यहां पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब मैं आपको एक और डेफिनेशन करा रहा हूं, उसके बाद आपको ब्रेक दे दूंगा। ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करें पूरा? 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए 8:30 बजे? नहीं चाहिए? कोई लिख नहीं रहा है चाहिए 5-10 मिनट का ब्रेक? मैं कंटिन्यू कर लूंगा, देखो मैं तो 3-4 घंटे पढ़ा लूंगा लगातार। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। ओके 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 ठीक है, एक और मैं डेफिनेशन करा रहा हूं, उसके मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, डोंट वरी। सेक्शन 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस एक और जगह आने वाला है सेक्शन नंबर 181 में, दैट वी विल बी डीलिंग विद पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। आज ही बता रहा हूं, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के सेक्शन में इस चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस आने वाला है, वहां पे भी मैं करा दूंगा, लेकिन यहां पे समझ लो काम इजी हो जाएगा। सी, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? 31 मार्च को जो एंड होता है ना, इंडियन हमारा कंपनीज एक्ट जो है, हमारा इंडियन लॉ जो है, वो कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करता, वो क्या फॉलो करता है? 1 अप्रैल to 31 मार्च। ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? कमिंग 31 मार्च को। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी का बर्थ हुआ है लेट से 6th August 2021, प्लीज लेट मी नो, प्लीज टाइप कि इसका फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा। प्लीज प्लीज टाइप इट डाउन कि इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा। ठीक है, और दूसरा मैं क्वेरी है, एक कंपनी जिसका जन्म हुआ है आज ही, इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? इन दोनों का मुझे आंसर चाहिए आपसे। 6th August 2021 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? डेट बताओ जल्दी से। 31st March 2022 लिख रहे हैं कुछ जने। ओके, मार्च 22। धन्या, मेघा, पवन, अच्छा पवन ने आगे का भी आंसर एक दिया है, देखते हैं। महक, माय क्वेश्चन इज, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 6th August 2021, इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? द डेट ऑन विच इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल एंड। यहां पे दो आंसर आ रहे हैं। ओके 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 गुड। अब आप प्लीज एक बात ध्यान से समझे कि ये वाले का आंसर अगर आपने ये दिया है, दैट इज 31st March 2022, सो दिस स्टैंड्स एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो इशू व्हाटसोएवर, बिकॉज मैंने क्या बोला, कमिंग 31st मार्च, जो भी मेरा 31st मार्च आएगा उस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होएगा। बट इफ माय क्वेश्चन इज दिस 18th January 2023, तो लॉजिकली आपका आंसर पहले ही आना चाहिए 31st March 2023। लेकिन सर एक बात बताओ, लॉजिक सोचो, ये कंपनी 2023 में बनी है, इसका पहला फाइनेंशियल ईयर 2023 में खत्म करवा रहे हो, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि अभी 23 में बनी, 23 में फाइनेंशियल ईयर खत्म, लिखते हुए थोड़ा अजीब लगा आपको? लगेगा, नहीं लगा तो फिर आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन वैसी लर्न करनी है, राइट? तो इसीलिए मैं इसका एक साल आगे शिफ्ट कर दूंगा 31st March 2024। इस चीज का बेस क्या आपको लर्न करने के लिए, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन फर्स्ट जनवरी टिल 31st March, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होएगा वो 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर होएगा, 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर होएगा। क्लियर है? तो मैं एक सेकेंड, यस अंगी, गुड, मैं इस चीज का एक बार डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, फिर क्वेरी देख लेंगे। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स द पीरियड विच इज एंडिंग ऑन 31st day of March every year। ये मेरा फर्स्ट केस का आंसर हुआ, बट आगे देखो,
वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st January ऑफ अ ईयर देन द पीरियड एंडिंग ऑन 31st March बट ऑफ फॉलोइंग ईयर. फॉलोइंग ईयर तो मेरे करंट केस में 23 की जगह मैंने फॉलोइंग ईयर लिया 24, राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड अप. नाउ प्लीज रीड दिस डेफिनेशन वंस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज. फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में क्या किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है तो जल्दी से मुझे बताओ और फिर मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक. एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन क्लियर है क्या. इसका 181 में रेफरेंस आने वाला है, बहुत भयंकर वाला, उस टाइम मैं आपसे टेस्ट करूंगा आपको. जल्दी से कंफर्म करो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन क्लियर है क्या. यस ऋषभ, एक क्वेश्चन आया है फर्स्ट जैन इंक्लूडेड है क्या. आप इसको देखो ऑन और आफ्टर 1st January, क्योंकि जिस कंपनी ने 1st January को जन्म लिया उसका भी तो साल बदल गया ना, 2023 आ गया ना, इससे पहले में 2022 आ रहा होता उसकी फाइनेंशियल ईयर उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट में. तो यस 1st January इज ऑल्सो इंक्लूडेड. फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ स्नेहल, थैंक यू. शिवम 31 मार्च वाले का भी तो अगले साल ही खत्म करना पड़ेगा. शिवम अगर कंपनी 31 मार्च को हुई तो 100% फिर तो उसमें तो क्वेरी नहीं आएगी, क्योंकि 31 मार्च को सुबह कंपनी बनी, रात को थोड़ी ना मैं 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म करवाऊंगा. अगले साल ही तो खत्म होगा, 31 मार्च 24 को ही तो खत्म होगा, राइट. इसलिए मैंने यहां पे क्या बोला ऑन और आफ्टर 1st January. लेकिन ध्यान रखना इसमें एक सिली मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे कि अगर इस केस में जैसे 18 January की जगह ये 1st April 24 को अगर इनकॉर्पोरेट हुई तो इसका तो नॉर्मल है ना, अगले साल ही तो खत्म होएगा ना 31 मार्च 24, ठीक है, सॉरी 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24, राइट. प्रॉब्लम कब आने वाली है, जब 1st January से 31 मार्च में इनकॉर्पोरेट होगी. 31 मार्च के बाद इनकॉर्पोरेट होगी तो आप पुराना थोड़ी ना जाओगे एक दिन पहले मार्च की तरफ, अगले मार्च में जाओगे. क्लियर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्लियर 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 क्लियर. सीमा शर्मा का एक क्वेरी है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस होता है. बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी से वाइड होती है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी से वाइड होती है. एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी इज नॉट अ कंपनी. एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट. तो बॉडी कॉर्पोरेट इज वाइडर देन कंपनी सीमा, ठीक है. ऑलमोस्ट सबका यस आ गया है, ऑलमोस्ट सबका यस आ गया है, वेरी वेरी गुड. तो फिर इसको एक 5 मिनट का हम ब्रेक दे रहे हैं आपको, 5 मिनट नहीं सर 10-15 मिनट दो, ठीक है 10-15 मिनट में हम रिज्यूम करेंगे, चाय वाय पियो और वी विल मीट इन 10 मिनट्स, फिर अगला वाला पार्ट आज हम खत्म करेंगे, ठीक है. तो ब्रेक है फॉर 10 मिनट्स, ठीक है सबका आ गया, ठीक है 10 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं, उसके बाद मिलेंगे.